बैलेंस शीट टैली करने के टाइम सारे एसेट्स लायबिलिटी ऐड करना, एडजस्टमेंट्स करना, फिर गुडविल कैपिटल एनसीआई रिजर्व्स वर्किंग नोट्स हैं, और शेयर कैपिटल सिर्फ खुद का। बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा अपना, और सामने वाले का नेटवर्थ नहीं आएगा। कंपनी बिल्कुल हो गया। टैली टैली हुआ कि किया होगा? आंसर में मैं देख लूँ एक बार, बराबर किया तुम लोग ने है कि नहीं। ये देखो क्वेश्चन टू का आंसर पीछे देखे रखा, इंस्टीट्यूट का आंसर देखो, तो तुम्हारा सब फिगर ऐसे ही है क्या? पीपी गुडविल इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्विटी में शेयर कैपिटल अदर इक्विटी 7,30,736,000, अगर वो दोनों को ऐड किया तो तुम लोग ने शायद अलग अलग दिखा रहेगा, वो 6 लाख अलग। एनसीआई तो अपना ही आया था वो, याद है, ट्रेड पेएबल शॉर्ट टर्म बोरिंग। देखो देखो यहाँ तक ठीक है, इन शॉर्ट कैसा प्रेजेंट करता है देखो, पहले तो ये मस्त लिखा एकदम, तुमको प्रेजेंट भी करना एग्जाम में। एक तो ये वाला आंसर इतना मस्त सजा के, फिर नोट्स देखो एक एक, और वो चेंजेस इन इक्विटी दिखाया, शेयर कैपिटल ओपनिंग में कितना है क्लोजिंग में कितना है, चेंजेस इन शेयर कैपिटल भी दिखाया, अदर इक्विटी भी दिखाया, अदर इक्विटी में ये था फाइनल आंसर अपने वाले ही है सारे, पर दिखाया ऐसा चेंजेस स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी करके भी एक स्टेटमेंट होता है, क्लियर? ये सब दिखाना पड़ेगा। अरे इंस्टीट्यूट का आंसर है ये, तो तकलीफ पता है कंसो का, टाइम कंज्यूम बहुत बड़ा है। अपन एक सम सॉल्व करके, सॉल्व तो कर लेंगे वर्किंग प्रेजेंटेशन, और फिर पूरा प्रेजेंट भी नहीं किया तो मार्क्स कटने का स्कोप है। तो अगर तुम उसको आता है वैसा सम आया है तो भी क्या करने का, पहले बाकी सम बाकी पेपर कंप्लीट करने का, लास्ट में हाथ ऊपर करके चल अभी। अगर तुम इसको पहले लेके बैठा ना, बहुत तकलीफ वाला काम है। दिस हैपेंड इन माय एग्जाम, फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स स्टार्टिंग में कंसो और अमालगमेशन करते रहे 2 घंटे तक, वो करते रहे, फिर बचा पेपर क्या लिखेगा, ये तुमको समझ रहा है? तो प्लान योर पेपर अकॉर्डिंगली, इट विल बी लेंदी। मे 19 स्टूडेंट्स से मैंने बात किया था, जैसे एग्जाम खत्म हुआ मेरा नॉर्मली है कि आई टॉक विथ फ्यू स्टूडेंट्स, एक ही था सर, सम सारे देखे हुए थे, कॉन्सेप्ट ऐसा कोई भी नहीं था जो नहीं आता है, पेपर खत्म ही नहीं हुआ, 60 मार्क्स 70 मार्क लिखा बस। अरे इतने बड़े बड़े सम रहेंगे, ये आएगा 12 मार्क 10 मार्क,
12 मार्क आया तो तुमको कितना, 24 मिनट मिला। 24 मिनट के अंदर तुम क्वेश्चन पढ़ेगा, वर्किंग नोट करेगा उसका, वो अपना अपने वाला आंसर सब बनाएगा, फिर उसका फेयर वो वाला आंसर देगा। प्रैक्टिकली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अनलेस तुम्हारा पूरा पेपर तुमने बराबर मैनेज नहीं किया रहेगा। तो क्लियर है? तो दैट इज द कॉशन और एडवाइस विच आई गिव यू। अगर तुमको देखा हुआ भी आया, जस्ट पॉज लेके सोचना, इतना मार्क्स इतना टाइम है, मैं करेगा बट एडजस्ट करके अकॉर्डिंगली, ये फाइन है ना। वर्स्ट केस सिनेरियो तुमको आता भी और टाइम भी है, लेकिन ये नोट एकदम फॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, तो जितना होता है उतना करना। एक क्लियर है? अभी उसके बाद उसके वर्किंग नोट तो देखो, उसके वर्किंग नोट, उसने सब आंसर अपने ऐसे लाया, लेकिन उसके वर्किंग नोट में कहां से कौन सा फिगर आता ना, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। कभी वो ऐड करता है, कभी लेस करता है, गुडविल में अचानक देखो फॉर्मेट चेंज कर दिया। ये अपना गुडविल का फॉर्मेट ऐसा होता है क्या? उस थोड़े सम्स में उसने बराबर वो ए के अंदर तीन, वो बी, और ये सम में देखो आंसर अपना वाला है। बट तुम वो फिगर्स ढूंढते रह जाओगे, तो जब भी तुम भी प्रैक्टिस करेगा, पहले तुमको वो बेस से करना पड़ेगा। तुम सिर्फ ये आंसर देखे ना, तुम मैंने जो सिखाया वो कॉन्सेप्ट तुम सब वाट लगा देगा उसका, तुम अचानक फिर कुछ भी माइनस करना चालू करेगा, कुछ भी ऐड। देयर इज अ लॉजिक फॉर एवरीथिंग विच वी डिड, क्यों माइनस किया, क्यों इसके जैसा नहीं, नहीं क्वेश्चन मॉड, ये क्वेश्चन में इसने मायने कि अपन भी करते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है? तो दैट इज द एडवाइस फॉर यू ऑल कि वहां पे सब फिगर्स उसने देखे रखा है, वो अच्छी बात है, बट यू नीड टू बी कॉशन व्हाइल यूजिंग दिस फॉर्मेट। कमिंग बैक क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट, क्वेश्चन 1 देखो, अभी 1 देखो, 1 देखो खाली। क्वेश्चन 1, कैन यू विल यू बी एबल टू डू, देखो तो सारे क्वेश्चंस जो उधर लिख के रखे थे उसको प्लस 80% करना, ये सारे फिगर्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल एक बार देखो तो, अपना प्लांट एंड मशीनरी का पहला फिगर क्या था क्वेश्चन में, 3 लाख प्लस 80%, 80 के कितना होगा, सॉरी इनटू 5, हाँ हर फिगर्स का इनटू 8, 5 करो, ये आ रहा सारा, हर फिगर इनटू 5 है ये बराबर, लेकिन एक बड़ा फर्क है, 100% है, तो सम और इजी हो गया, तो अपन ने उससे बहुत ज्यादा टफ वाला कर लिया, तो 1 तो तुम आराम से कर सकता है, और उसको टाइम भी कम लगेगा, क्यों उसमें एनसीआई नहीं है। ठीक है, 1 का सॉल्यूशन तुम्हारे बुक में है, नोटबुक में आओ एक बार, सॉल्यूशंस बहुत सारे देखे रखे, टेस्ट और नॉलेज का भी सॉल्यूशन दिया रहेगा, टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन दिख रहा है, बट 1 का सॉल्यूशन तुम्हारे बुक में रेक्टिफिकेशन करके दिया, मतलब क्या अज्यूम करके दिया, नोटबुक में अज्यूम क्या किया है, FVTOCI, और अपन ने अभी FVTPNL किया था, तो जाए तो पूरा सम 1 वाला घर पे खुद से कर सकता है, FVTPNL से भी, रश्मि पूरा बैलेंस शीट टैली तक सेम आंसर आएगा, बट बीच में के वर्किंग नोट्स। तो तुम्हारा टास्क क्या बताया, तुम्हारे हैंड रिटन वाले पार्ट में क्वेश्चन 1 सॉल्व है कैसे, एफपीडी, बट आज के तारीख में इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, वो सब कुछ पीएनएल में डालने वाला कर रहा है, तो तुम वो क्वेश्चन 1 सॉल्व करेगा क्या करके पीएनएल। और एक बात, तुम्हारा जो प्रिंटेड वाला पार्ट है, हैंड रिटन कौन सा वाला अभी बोल रहा हूँ मैं, प्रिंटेड वाले में इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन मैंने दिया है, इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन में एक नोट पे आ जाओ डायरेक्टली, नोट्स में आंसर में, इंस्टीट्यूट ने उसको एफपीटी पीएनएल वाला किया है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है अज्यूमिंग, ये सॉल्यूशन अज्यूमिंग है कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे है, अगर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे है मतलब वो डिविडेंड पी एंड एल, एंड वो किधर लिखा है उसने पता है, ये पूरा सम होता है ना, उसके बाद नीचे
लास्ट में अजम्पशंस, इन्वेस्टमेंट इन एसएफएस आर एट कॉस्ट, अगर ये अजम्पशन किया तो भाई मेरे को आंसर मेरा वो पी एंड एल में डाल के करना पड़ेगा। तुमको समझा नया आंसर इंस्टीट्यूट का कैसा आ रहा है? और ये अजम्पशन उसने अपने आंसर में लिखा है, मतलब तुमको एग्जाम में अजम्पशन लिखना है। अगर तुम ये अजम्पशन लिख देगा एग्जामिनर को, एटलीस्ट ये समझो तुमको कॉन्सेप्चुअली पता है कि कब पी एंड एल में डालने का है और अब कब वो प्री एंड पोस्ट करना। बाकी तो हाँ, बाकी और एक चीज उसने अज्यूम किया है जो अपन ने भी किया था एक्चुअली, लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिशिएट ही नहीं किया। अज्यूम किया कि उसमें मैक्सिमम लैंड एलिमेंट ही है, क्योंकि क्वेश्चन में रेट नहीं दिया था। वो तो क्वेश्चन टू में भी किया था, वैसे ही सेम अजम्पशन की तरह आ जाएगा क्वेश्चन वन में भी, बिकॉज क्वेश्चन वन भी पूरा वैसा ही है। डेप्रिसिएशन ठीक है, बाकी सब ठीक है। नाउ सो नाउ व्हाट आई विल डू, टेस्ट योर नॉलेज का बचा कुचा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे अपन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर थ्री। ब्लू हेवन, ब्लू हेवन के सॉल्यूशन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है, तुम्हारे हैंड रिटन में भी है। टेक्स्ट बुक में तुमको इंस्टीट्यूट वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा, हैंड रिटन में अपने वाला फॉर्मेट का मिल जाएगा। ठीक है, ऑन 31st of March ब्लू हेवन अक्वायर्ड 100% ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ऑरेंज कंट्री 6,000 लाख इन कैश एंड इट कंट्रोल्ड फ्रॉम दैट डेट। एक्विजिशन डेट, फाइनेंशियल पोजिशन इज एज फॉलोज, जिस दिन पर अक्वायर किया उसी दिन का दिया है। ये तो कितना चिंदी होगा पता है, खाली वो अपना गुडविल वाला एंट्री भी पास करती है ना तो भी काम हो जाए। 103 वाला पूरा बैलेंस शीट रेगुलर वाला दिया, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं तुमको 110 नहीं सिखा गया, 103 के बाद भी करवा सकता था। ये बराबर आंसर में आओ एक बार देखो, हैंड रिटन वाले पार्ट में क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री में तो कोई गुड अपना डिविडेंड विविडेंड है नहीं, तो कुछ दो आंसर्स वगैरह होने का कोई चांस नहीं है। परसेंटेज होल्डिंग है, डेट ऑफ एक्विजिशन है, डेट ऑफ कंसोलिडेशन है, नेटवर्थ एनालिसिस के सामने लिखा, शेयर कैपिटल को गुडविल कैलकुलेशन में डाल दिया, अर्निंग्स भी पूरा पूरा प्री रहेगा। कोई एक आइटम रिवैल्यूएशन हुआ है क्या? देखो तो क्वेश्चन में कौन सा हुआ है, बिल्डिंग रिवैल्यू हुआ है। अरे हाँ, बाजू में फेयर वैल्यू दिया है, वो एक नया है। ये फेयर वैल्यू दिख रहा है क्या? तो बिल्डिंग देखो 300 से बड़ा और इन्वेंट्री 100 से बड़ा, ये +300 है, ये +100 है, तो 400 का रिवैल्यूएशन गेन तो इधर ही दिख रहा है मेरे को। और कुछ है क्या? दैट्स इट, वो 400 का रिवैल्यूएशन गेन है, बाकी सब वैल्यूज तो सेम रखा है उसमें। तो ये 400 के रिवैल्यूएशन गेन को अकाउंट किया, देखो ये 400 और प्री साइड पे लिखा क्यों? एक्विजिशन डेट का रिवाइज, उसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? ये 400 का, ये 300 और 100 का, बेसिकली बैलेंस शीट में वो आइटम्स में ऐड होएगा, तो इधर लिखते ही तुरंत पेंसिल में जाके अपन उधर ऐड करेंगे। इनफैक्ट तो क्वेश्चन में अभी बाजू में कॉलम दिया है, तो नहीं समझा उतना एग्जामिनर ने अच्छा काम किया। बाकी गुडविल का वर्किंग नोट अपना रेगुलर वाला, कंसिडरेशन आया सामने, नेट एसेट्स आया, गुडविल आया, एनसीआई है नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स अपना ही है खाली, क्यों? कोई पोस्ट ही नहीं है। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का तो 400 खाली बताया कि कैसे आया, बस बैलेंस शीट बना दिया वही है, बाकी तो क्या किया रहेगा? बैलेंस शीट, खुद का बैलेंस शीट प्लस जनरल एंट्री के बदले, मतलब ये बोल सकता है सब्सिडी, बट वो रिवैल्यूड फिगर ले लेगा, अपना इन्वेस्टमेंट और सामने वाले का नेटवर्थ उड़ जाएगा। ये क्लियर है, बाकी टैली वैसे ही होएगा इसमें। और बेसिकली अपना 103 में एक ही एडजस्टमेंट का फर्क था, आई गेस रिवैल्यूएशन। 103 में जब करवाए थे जब वो रिवैल्यूएशन नहीं था, और अब क्या एक्स्ट्रा आ गया खाली? और रिवैल्यूएशन का दो इफेक्ट पता है, एक तो प्री साइड बराबर नेटवर्थ में भी आ जाते, प्री साइड में आते हैं, दूसरा बैलेंस शीट में ऐड हो सकते।
क्लियर, एड लेस जो भी रहता हो जाता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन फॉर टेस्ट नॉलेज का। ये तो यार ये इतना बड़ा सम करने के बाद 3 तो चिंदी लगा अपने को। अब 3 में मस्ती किया, फैक्ट्स को सेम रखा क्वेश्चन 3 जैसा, लेकिन खाली 75% अक्वायर किया था, उसके लिए 4,500 पे किया था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना। अभी यार एनसीआई आएगा वो तो ठीक है, पहले कितना दिया था 6,000, अब कितना दिया 1,500 का फर्क है। पुराना सम डायरेक्टली नहीं उठा पाएगा हमने, दो फिगर चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट और कैश इन बैंक। इन्वेस्टमेंट जो 6,000 दिखता रहेगा उसको 4,500 कर देगा, और जो कैश इन बैंक दिखता रहेगा उसमें 1,500 ऐड करेगा और फिर सम आगे जाने देगा। वरना कैसा होएगा रे, वो पैसा उसने 6,000 के बदले कितना दिया, तो इन्वेस्टमेंट में क्या अभी 6,000 दिखाओ क्या? समझो इन्वेस्टमेंट को मैंने 4,500 दिखा, तो आधा बैलेंस शीट ऐसा चेंज करूँ क्या? टैली कैसा होएगा? सेकंड इफेक्ट किधर तो देना पड़ेगा, किधर लॉजिकल इफेक्ट सेकंड? कैश बैंक। तो पहले क्वेश्चन में से बैलेंस शीट चेंज होगा फिर सम चालू होएगा। आंसर में हो नोटबुक, नया इन्वेस्टमेंट नया कैश बैंक, पहले ये दो फिगर चेंज होएगा, तुम क्वेश्चन में जाके चेंज करेगा एग्जाम में, तो बराबर। तो नया तुम्हारे पास बैलेंस शीट अवेलेबल, अब सीधा रेगुलर क्वेश्चन बोल के चालू करने का। खाली एक ही चीज नया आने वाला, एक ही चीज क्या होने वाला, एनसीआई कितना 25% बिकॉज होल्डिंग 75, रेस्ट अपना वर्किंग शेयर कैपिटल प्री पोस्ट गुडविल। गुडविल में खाली एनसीआई आ गया, दिख रहा है क्या? गुडविल एनसीआई बाकी रिटेंड अर्निंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बाकी सब फ्लो में रेगुलर में चला गया, खाली नए में क्या आ गया बोलो रे? एन सी आई फाइन एनफ। एनसीआई कैसे कैलकुलेट, और एनसीआई का अलग वर्किंग नोट भी नहीं बनाया भाई सबने। एनसीआई होना चाहिए था ना, लिखना चाहिए था एनसीआई अलग से। बोलो कितना, जो भी अपना नेट एसेट्स है 4,700 नेट एसेट कैसे हुआ, 2,000 प्लस 2,700 उसका कितना परसेंटेज होल्डिंग होगा एनसीआई का? 25%, 2,000 प्लस 2,700, और वो एक बार एनसीआई आ जाता है फिर अपन गुडविल में जाके वही एनसीआई लिखता है, वो डायरेक्टली गुडविल में लिख के सब को टैली तो कर दिया। क्लियर है? तो ये एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा होगा, बाकी ये 2,700 कहाँ से लाया रहेगा, फ्री वाला पार्ट। ये क्लियर है? वो तो फ्री वाला पार्ट तो मैं सर वो 2,000 का अपना शेयर कैपिटल है, तीन दो फिर वो तो अलग हो गया, रिटेन अर्निंग 2,300 था और उसमें 400 का गेन ऐड हुआ था तो 2,700 हुआ। ये क्लियर है? वो सब तो लास्ट सम से क्वेश्चन उठाया टैली करके दे दिया। आगे बढ़ू, फिफ्थ वन, कंसिडरिंग फैक्ट्स ऑफ 3 और 4 एज सेम। मतलब कहने से 4 को बेस लेता हूं मैं, क्यों आगे क्या बोला है 75% 4,500, मतलब कैसे कहने से कीपिंग क्वेश्चन इन 4 एज सेम। एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, कैसा पता चला आपको? 31 मार्च क्या हो गया अभी, 3, उसके पहले क्या था 2, 3, ये चीज तो चेंज किया, देखा मिस नहीं होना चाहिए वो पार्ट कि हम 1 साल का लीप लिया है, देखें दैट इज 1 ईयर आफ्टर इट हैज अक्वायर्ड। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज फॉलोज, 1 साल के बाद का सारा फिगर्स देकर रख दिया है, पूरा बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट में जो तुम्हारा रिटेन्ड अर्निंग्स है उसका नीचे डिटेल भी दिया है कि उसमें इस साल का प्रॉफिट कितना था। नोट, ब्लू हेवेंस हैज एस्टिमेटेड दैट गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 98। ये एक नया एडजस्टमेंट है, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल कंसोल लेवल पे। हाउ शुड वी डू दिस, ये एक स्टार मार्क करो, चलो ये मैं सिखाएगा तुमको, कॉन्सेप्ट करके पढ़ लेंगे इसमें। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स है,
देके रखा हुआ है, ऑल बिल्डिंग्स हैव रिमेनिंग एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लाइफ ऑफ 20 ईयर्स, रेसिडुअल वैल्यू जीरो, SLM डेप्रिसिएशन है वगैरह वगैरह। ये क्यों दिया है पता है? लास्ट सम में रिवैल्यू हुआ था बट उसी दिन पे बैलेंस शीट बन गया था तो रिवैल्यूएशन आया था बट डेप्रिसिएशन इफेक्ट नहीं आया था। अब सम एक साल आगे जा चुका है तो रिवैल्यू तो पहले हो चुका है वो तो ठीक है, बट अब वो डेप्री का इफेक्ट आएगा जो डेप्री पास होना चाहिए था, और रिवैल्यूएशन के बाद वो जो इंक्रीज इन डेप्री या डिक्रीज इन डेप्री वगैरह रहेगा वो आएगा। ये किया ना एक सम में, अभी वो 5,000 से डेप्री बढ़ा था ज़्यादा था तो कौन से साइड वाला प्रॉफिट अफेक्ट हुआ था? पोस्ट ओके बाकी प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो भाई एडजस्टमेंट में एक्स्ट्रा में सर क्या क्या आया? इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल आया, और दूसरा डेप्री, डेप्री भी तुमको आता है। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल के लिए आ जाओ तुम्हारे नोटबुक में हैंड रिटन वाले पार्ट में, उधर अपने को मिलेगा उसका इफेक्ट क्या देना। उसको चाहिए तो एज अ कॉन्सेप्ट मार्क कर लेना, चाहिए तो ये पेज के टॉप पे लिख देना रेफर अ कॉन्सेप्ट बिलो, और वो कॉन्सेप्ट इज इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। एट CFS लेवल, ये गुडविल CFS लेवल वाला ही है। गुडविल कम करना है तो बोलता है सीधा हिसाब है, गुडविल में से लेस कर और ओन रिटेन्ड अर्निंग वाला जो वर्किंग नोट है उधर वो सबको सब इस NCI को वगैरह चाहिए ओन रिटेन्ड अर्निंग, ब्रैकेट में लिख दे एज NCI इज प्रपोर्शनेट शेयर, देयरफॉर गुडविल इज पार्शियल गुडविल, एज NCI इज प्रपोर्शनेट शेयर गुडविल इज पार्शियल गुडविल। एंड अगर वो पार्शियल गुडविल है तो लेस फ्रॉम गुडविल करना है एंड खाली ओन वाला रिटेन्ड अर्निंग में से उड़ाना है। ये क्या होता है सीधा एज ऑफ नाउ तो खाली इतना सोचो ना, गुडविल कम हुआ ना तो एक बाजू गुडविल कम किया और एक बाजू अपना ओन रिटेन्ड अर्निंग्स कम कर दिया। गुडविल कम हुआ तो सामने रिटेन्ड अर्निंग्स दो इफेक्ट दिया तो टैली तो होना ही है। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या था? अपना प्रॉफिट था, गुडविल का वैल्यू कम हो गया तो प्रॉफिट कम करना चाहिए तो रिटेन्ड अर्निंग्स, बट ब्रैकेट में कुछ तो लिख दिया। इस समय NCI मेजर होता है किससे? प्रोपोर्शनेट शेयर को, तो उसको बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल गुडविल। क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट ऑफ, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल गुडविल में अगर कभी भी इंपेयरमेंट आता है तो वो गुडविल में से माइनस होता है और आवर ओन शेयर ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में से ही माइनस होता है। सर ये कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल गुडविल क्या है, फुल गुडविल क्या है, मैं सिखाऊंगा बट थोड़े टाइम में। एक और पार्ट है टेक्स्ट बुक में से वो बताना है तुमको। देयर इज अ फुल गुडविल मेथड एंड देयर इज अ पार्शियल गुडविल मेथड। इफ आई टेक NCI एट फेयर वैल्यू देन इट इज नोन एज फुल गुडविल मेथड, एंड इफ आई टेक NCI एज प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट इज नोन एज पार्शियल गुडविल मेथड। वो दो मेथड्स के सम्स है, वो सम करोगे तो तुमको इजीली दिख के आएगा कि फुल गुडविल क्या रहता है, पार्शियल गुडविल क्या रहता है, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ इतना याद रखो, बाकी ये सब में एडजस्टमेंट सेम है। ये कर पाएगा? एक बार सॉल्यूशन देख लेता हूँ। रिवैल्यूएशन हुआ रहेगा, डेप्रिसिएशन वाला वो बताता हूँ, डेप्रिसिएशन वाला। डेप्रिसिएशन है ना इस सम में 5% है, तो कैसे आता है 5% डेप्रिसिएशन? एक तो SLM बेसिस है ओवर 20 ईयर्स, अगर SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर 20 ईयर्स तो हर साल कितना 5% ही रहेगा तो ही होएगा। तो डेप्रिसिएशन में इसने कुछ तो वर्किंग करके 5% लाया, बट सबसे सिंपल लॉजिक कुड हैव बीन लाइफ 20 ईयर्स है एंड SLM है तो भाई पर ईयर कितना 5%, हर साल 5% कर लिया तो 20 साल में जीरो होएगा। तो क्लियर है? वो कुछ तो किया उसने, ठीक है वो जान। पहले 20 से डिवाइड करके डेपरी लाया और डेपरी को फिर 5% तक लाया, उससे अच्छा अपन डायरेक्ट सोच सकते हैं 20 साल है तो हर साल 5% का ही रहेगा ना SLM रहेगा तो। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना होगा सुनो, अपने सम में ना वो प्लांट एंड मशीनरी जो भी था
वो 300 से बड़ा था उस समय, कोई इन्वेंट्री 100 से बड़ा था और प्लांट एंड मशीनरी 300 से बड़ा था, इसके लिए टोटल 400 का पता गेन था। वो 2300 में 400 ऐड करके 2700 तक लाया था। अगर एसेट 300 से बड़ा तो इंटू 5% डेप्रिसिएशन 15 से बढ़ेगा। एसेट 300 से बड़ा तो डेप्रिसिएशन 15, डेप्रिसिएशन 15 से बड़ा, एक इफेक्ट पोस्ट साइड पे नेगेटिव आएगा, लॉस है, और सेकेंड इफेक्ट एसेट में से लेस होगा। तो ये कोई बड़ा बात है? एक तो पोस्ट साइड में लेस होगा और एसेट में से लेस, तो मेरा एक काम हो गया। बोलो क्या? एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब एक थोड़ा सा अलग पॉइंट है, इन्वेंट्री थोड़ा सा संभालना, एवरीवन ध्यान से सुनना। इन्वेंट्री जब एक्विजिशन डेट पे अपन ने रिवैल्यू किया था लास्ट सम में, क्वेश्चन थ्री या फोर जो भी था, तब क्वेश्चन थ्री या क्वेश्चन फोर में अपन ने उसको ऐड टू प्री प्रॉफिट्स किया था और ऐड टू इन्वेंट्री किया था। क्या होगा ऐड टू प्री प्रॉफिट्स? ऐड क्यों? इन्वेंट्री अपवर्ड वैल्यू हुआ, अपवर्ड वैल्यू हुआ ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो एक्विजिशन में प्री में आएगा। एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में ऐड होगा, ठीक है। और जो मेरा प्लांट एंड मशीनरी होता है ना, प्लांट एंड मशीनरी तभी क्या हुआ रहेगा, यहाँ पे चलो लिखा नहीं है मैंने, वो 300 क्या किया रहेगा प्लांट एंड मशीनरी का? ऐड टू प्लांट एंड मशीनरी एंड प्री साइड पे पॉजिटिव, तब जाके वो प्री साइड पे वो 300 ऐड हुआ रहेगा और वो प्री साइड पे 100 ऐड। इतना सबको समझा? तो देखो प्री में मेरा पहले से क्वेश्चन में 2300 देके रखा था, उसमें वो 100 इन्वेंट्री का तभी ऐड हुआ था और वो 300 का प्री वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग ऐड हुआ। प्री तो इतना ही रहेगा, प्री क्यों इतना ही रहेगा? 2700 सम एक साल भी आगे चला गया था। प्री मतलब क्या? 21 दिन तक का डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन चेंज होगा क्या? तो एक्विजिशन डेट तक का 2700 ही होगा, और एक्विजिशन डेट तक का वैल्यू 2700 लाने के लिए अपन ने इन्वेंट्री में 100 ऐड किया और प्री में 100 ऐड किया, एंड सेकेंडली बिल्डिंग में, या फिर वो बिल्डिंग, हाँ प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग बिल्डिंग में 300 ऐड किया और प्री में 300 ऐड किया। यहाँ तक समझा? अब एक स्पेशल चीज, डेप्री, डेप्री पोस्ट में से 15 माइनस किया और बोलो किधर माइनस होगा? एसेट। तो ये तीन एडजस्टमेंट्स अपने डन हुए, 300 प्री में ऐड हुआ बैलेंस शीट में ऐड हुआ, 100 प्री में ऐड हुआ बैलेंस शीट में ऐड हुआ, 15 पोस्ट में से माइनस हुआ बैलेंस शीट में से माइनस। जो सारे एडजस्टमेंट्स हो तो करने ही पड़ेंगे, बिकॉज वी विल एनालाइज द प्रॉफिट फ्रॉम प्री एंड पोस्ट। तो प्री वाले एडजस्टमेंट्स प्री में से करने पड़ेंगे, पोस्ट वाले, और ये सब है ना कंसोलिडेशन वाले एडजस्टमेंट्स है, ये तुम्हारे सेपरेट बुक में नहीं होंगे। सेपरेट बुक में अभी भी वो प्लांट एंड मशीनरी पुराना ही दिखता रहेगा, तो कंसोल करने के लिए वो ऐड करना ही पड़ेगा। ये सब रिवैल्यू क्यों किया था? फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। अब इन्वेंट्री में एक लोचा है, एक साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाता है? ध्यान से सुनना मेरा बात, अपन ने जब खरीदा था तब इन्वेंट्री में सीएफएस लेवल पे से माइनस किया, 31 मार्च 2012 को मैंने सीएफएस लेवल पे से इन्वेंट्री में से माइनस किया, मतलब क्लोजिंग कम किया कि बराबर पक्का। इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर, सॉरी सीएफएस में से इन्वेंट्री में ऐड किया था ना, ऐड, हाँ सीएफएस में इन्वेंट्री में ऐड किया, मतलब क्लोजिंग बढ़ाया। क्लोजिंग क्या किया? बढ़ा। अब 31 मार्च 2013 वाला जो ईयर रहेगा उसके लिए ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कौन सा स्टॉक हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ओके पक्का। अब एसएफएस में तो कुछ नहीं किया रहेगा, ये एडजस्टमेंट कौन से लेवल पे किया अपन ने? इस सब कैसे पता चलता आपको एसएफएस लेवल पे एडजस्टमेंट किया कि सीएफएस? अगर एसएफएस लेवल में एडजस्टमेंट होता ना तो पहले बैलेंस शीट चेंज करते फिर सम चालू करते, पर अपन ने वो नहीं किया था इन्वेंट्री के लिए,
चालू कर दिया था, पोस्ट में ऐड किया है इन्वेंट्री में, तो वो एडजस्टमेंट तो खाली सीएफएस लेवल का, एसएफएस विल रिमेन द सेम। तो एसएफएस में अपन ने इन्वेंट्री के साथ कुछ नहीं किया था 31 मार्च 12 को, इतना समझा? तो इधर इन्वेंट्री कितना दिखता रहेगा, फिगर्स है क्या अपने पास? देखो तो मेरे को बताओ तो। थर्ड क्वेश्चन था ना, थर्ड क्वेश्चन में इन्वेंट्री 500 था, तो 500 का इधर 600 हो गया था, तो क्लोजिंग बढ़ गया था कितने, बड़ा हुआ क्लोजिंग कितना था? 600, बड़ा हुआ क्लोजिंग 600 था, बट एसएफएस में तो क्लोजिंग 500 ही है, ठीक है? ये 100 का एडजस्टमेंट समझ में आया, प्लस 100 इधर किया इन्वेंट्री में, और सेकेंडली प्लस 100 हो गया अपने रिटेन्ड अर्निंग्स, बिकॉज इन्वेंट्री बढ़ने पे दोनों इफेक्ट आता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट साइड, बराबर रिटेन्ड अर्निंग्स में भी ऐड हो गया एंड अपने बैलेंस शीट में भी ऐड हो गया। अभी नेक्स्ट ईयर के एसएफएस में ओपनिंग इन्वेंट्री कितना रहेगा? हाँ एसएफएस में, बट अपने को सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू कितना चाहिए? सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू 600 चाहिए था, बट उधर 500 ही है, इसका मतलब है एसएफएस में ओपनिंग इन्वेंट्री कम आया, एसएफएस में सेपरेट फाइनेंशियल ओपनिंग, मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट कम, मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, और अपन ने वही प्रॉफिट सीधा उठा दिया सीएफएस बनाने के लिए, वही प्री पोस्ट किया रहेगा ये बराबर, बट सीएफएस में तो मेरे को 100 का प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्यों? वो लास्ट ईयर ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, लास्ट ईयर प्रॉफिट में भी ऐड हो चुका था प्री में, और इन्वेंट्री में भी ऐड हो चुका था, और जब मैं इस टाइम सीएफएस बना रहा हूं, मैं वापस से एसएफएस से चालू करूंगा, एसएफएस में वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिख रहा है वो भी इधर आ जाएगा, एंड देयर फोर देयर विल बी वन मोर एडजस्टमेंट, रिवर्सल होगा व्हेन दैट इन्वेंट्री गेट सेल्ड इन द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एक्विजिशन, एंड द एडजस्टमेंट विल बी लेस फ्रॉम पोस्ट प्रॉफिट एंड लेस फ्रॉम इन्वेंट्री, वापस बोलो, लेस फ्रॉम पोस्ट प्रॉफिट एंड लेस फ्रॉम इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री में से कम करेगा बिकॉज वो इन्वेंट्री उतना ओवर स्टेटेड रहेगा, वो अभी कम करना पड़ेगा, एंड सेकेंडली प्रॉफिट पोस्ट प्रॉफिट में से कम करेगा बिकॉज वो एक्सेस प्रॉफिट सीएफएस लेवल पे दिख रहा है जो दिखना नहीं चाहिए सीएफएस लेवल पे। ये एडजस्टमेंट्स कौन से लेवल पे होंगे सीएफ? सर पोस्ट में क्यों? बिकॉज जब वो इन्वेंट्री बिका तब वो हुआ नेक्स्ट ईयर आफ्टर एक्विजिशन, तो ये सिर्फ स्पेशल पॉइंट है इन्वेंट्री का, ध्यान से सुनो अभी एक मिनट, ये है ना क्यों सिर्फ इन्वेंट्री में होता है, रीजन है, इन्वेंट्री लास्ट ईयर में क्या हो गया था, ऐड टू इन्वेंट्री ऐड टू प्रॉफिट बोल दिया था, बट इस साल वो इन्वेंट्री बिक गया, तो मेरे को लेस फ्रॉम इन्वेंट्री एंड लेस फ्रॉम प्रॉफिट 100 रुपया करना पड़ेगा टू एडजस्ट इट। ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अनलेस तुम वो एकदम माइक्रोस्कोपिक व्यू कि एसएफएस में क्या हुआ रहेगा सीएफएस में क्या हुआ रहेगा वो नहीं, और वो किधर लिखा हुआ मिलेगा नहीं तुमको, ये तुमको जो बताया ना ये अपने को समझा ही क्यों ऐसा करना पड़ेगा, बिकॉज अपन सीएफएस बनाने के लिए एसएफएस को बेस लेते हैं, एसएफएस में ना प्रॉफिट ज्यादा दिखता रहेगा बिकॉज एसएफएस में ओपनिंग स्टॉक कम है और वो ज्यादा प्रॉफिट इधर आ गया अभी, बट सीएफएस में तो उतना प्रॉफिट नहीं चाहिए, वो सिर्फ ये देख के ही समझ पाएगा, ये क्लियर है? इसके वजह से आई नो ये जो गैप है ना, इसके वजह से वी कैन अंडरस्टैंड कि सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा फ्रॉम इन्वेंट्री एंड रिड्यूस करना पड़ेगा फ्रॉम प्रॉफिट, वो खराब हो चुका है इसके लिए। सो स्पेशल एडजस्टमेंट तुम्हारे हैंड रिटर्न वाले पार्ट में ऐसा लिख के रखा है, सब्सिक्वेंट रिवर्सल पे ये करता है, अगर तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो इसको याद रखते जाना, लेकिन जब क्रिएट होता था वो प्री में हुआ था और रिवर्सल पोस्ट, और अब तुम देखेगा ना ये सम सॉल्व करने का टाइम कुछ नहीं है, पोस्ट में ना और एक 100 माइनस किया है, बोलो ये 100 माइनस किया रहेगा उसका इफेक्ट किधर गया रहेगा, इन्वेंट्री में समझ, और एक बात 100 प्लस प्री में हुआ और 100 पोस्ट माइनस पोस्ट में हुआ, नेट ऑफ मत कर देना, एक प्री में और एक, एंड इसके लिए बैलेंस शीट में आगे जाएगा ना तो तुमको मिलेगा
100 माइनस भी हुआ है और 100 प्लस भी हुआ, तुम बोले बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ता है? अरे बस वो प्री पोस्ट का फर्क पता है तुमको, प्री पोस्ट में अगर गड़बड़ किया, गुडविल एनसीआई सब सब गया, क्लियर है? तो ये सब में एक ही अलग चीज था, इन्वेंट्री। वो भी इन्वेंट्री का नॉर्मल वाला पार्ट तो सब लोग ने किया है, इन्वेंट्री का रिवर्स, इन्वेंट्री रिवर्सल इज स्टार मार्क पॉइंट। किधर गया इन्वेंट्री रिवर्सल? ये रहा, इन्वेंट्री रिवर्सल इज द स्टार मार्क पॉइंट ऑफ दिस सम। लास्ट ईयर में जो किया वो किया क्या है, बट ये साल में जो रिवर्सल है वो। बाकी गुडविल राइट ऑफ क्या, वो फिर भी एक बार ठीक था, लेस फ्रॉम गुडविल एंड लेस फ्रॉम अर्निंग्स, वो तो ठीक है, समझ सकते हैं अपन। तो ये सम तुम जब घर पे रिवाइज करेगा तो ये दो पॉइंट्स पे तुमको ध्यान देना, बाकी रेगुलर है, बैलेंस शीट कोई भी सबसे आराम से टैली हो जाएगा। इनफैक्ट तुमने वो पॉइंट नहीं किया होता ना, बैलेंस शीट तो तुम्हारा टैली हो ही जाता था, बट योर फिगर्स माइट हैव अफेक्टेड। तुमको लगता है टैली करके मार्क्स नहीं मिला, ठीक है, होता था। चलो सो मेरा बड़ा सम्स में भी डिस्कशन हो गया है। अब जो पार्ट बाकी है, तुम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तक पहुंच पाएगा? वी हैव कंसीडर्ड ऑल द एडजस्टमेंट्स। अब मैं जो पार्ट बाकी है, एक है पार्शियल डिविडेंड फुल डिविडेंड वाला, वो बता देता हूं पहले, तो उतना पार्ट पहले क्लियर करते हैं। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में आ जाओ उसके लिए, टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर है जिसमें ये सब सम्स से, आई गेस यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5। यूनिट यूनिट्स नहीं लिखा है शायद, नंबर की लिखा है, नहीं लिखा है तुम्हारे बुक में। पेज नंबर एक हेडिंग मिला, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग करके, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग, वही चैप्टर जिसमें सबसे ज्यादा इलिस्ट्रेशन हो। क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ तुमको गुडविल और एनसीआई निकालना है बेस्ड ऑन टू डिफरेंट मेजर्स ऑफ एनसीआई। यहां पे अपने को फुल गुडविल और पार्शियल गुडविल इजीली समझ जाएगा। एक होता है एनसीआई को मैं प्रोपोर्शनेट शेयर पे लूं, और एक होता है एनसीआई को मैं फेयर वैल्यू पे लूं। क्वेश्चन पढ़ता हूं, राम अक्वायर श्याम, 60% अक्वायर किया, 15 लाख दे गए, वैल्यू ऑफ एनसीआई 10 लाख है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 10 लाख है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स 5 लाख है, सब दिया है। बोलता है गुडविल कितना है बता, दो अलग अलग मेजर्स ऑफ एनसीआई लेके, एक एनसीआई प्रपोर्शनेट शेयर लेके और एक एनसीआई फेयर वैल्यू। समझो एनसीआई मैं प्रपोर्शनेट शेयर लेता हूं, सबसे पहले तो मैंने किसी को अक्वायर करके रोकड़ा दिया 15 लाख, तो 215 लाख, सामने वाले का नेट एसेट जो मेरे पास आया 5 लाख, मेरे बुक्स में मैं एनसीआई दिखाएगा एट प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट, नेट एसेट आया 5 लाख, 5 लाख का प्रपोर्शनेट शेयर 40%, 2 लाख, तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर 12। एक तुम इसको वो ए बी करके भी कर सकते हैं, जर्नल एंट्री पास करके भी कर सकता है। सेकेंड, यही मैं अगर एनसीआई को फेयर वैल्यू पे लिखूं तो सिर्फ फर्क क्या रहेगा पता है, नेट एसेट 5 लाख ही रहेगा, पेमेंट 15 लाख ही रहेगा, खाली एनसीआई 10 लाख हो जाएगा फेयर वैल्यू, तो डिफरेंस गुडविल 20 लाख हो गया, 12 लाख का गुडविल 20 लाख हो गया। तुमको समझ रहे हैं, जब मैं एनसीआई को प्रपोर्शनेट शेयर पे करता है ना, तो जो 12 लाख का गुडविल है दैट इज माई ओन शेयर ओनली, लेकिन जब मैं एनसीआई को फेयर वैल्यू पे करता है तो गुडविल 20 लाख हो गया, वो मेरा शेयर भी है और एनसीआई शेयर भी है और टैली भी होगा पता है। मेरा 60% ओनिंग में अगर 12% है तो पूरा 100% में 20 ही होना चाहिए। मेरा सिर्फ 60% होल्डिंग में मेरा गुडविल 12 था, पता है फर्स्ट का आंसर 12 था गुडविल का, तो पूरा 100% होल्डिंग में गुडविल कितना होना चाहिए, 20। तो ये 20 का बाइफोकेशन इज 12 अपना और एनसीआई का 8। ओके, एनसीआई को ये 8 मिला ना, इसलिए इसके लिए एनसीआई 2 का 10 हुआ, एनसीआई खाली 2 था पहले, अब एनसीआई 10 हो गया, 2 का 10 क्यों हुआ, बिकॉज 8 का
गुडविल बिलोंग्स टू एनसीए। तो बोलो पार्शियल गुडविल मेथड कौन सा, सिर्फ अपना कौन से जगह पे आया? एनसीआई को प्रपोर्शनेट शेयर लिया तो सिर्फ अपना गुडविल आया, इसको पार्शियल गुडविल मेथड बोलते हैं। और फुल गुडविल मेथड कौन सा, अगर एनसीआई को फेयर वैल्यू पे लिया तो पूरा गुडविल आया। सबको लॉजिकली क्लियर है? तो अगर कोई सम में ऐसा आया मेजर एनसीआई इन सच अ मैनर दैट पार्शियल गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड, सपोज मेजर एनसीआई इन सच अ मैनर दैट द फुल गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड, फेयर सुपर। ठीक है, इलिस्ट्रेशन टू तुम्हारे लिए है। इतने बड़े बड़े सम कर लिया, अब वो सिर्फ गुडविल पूछता है, बार्गेन परचेस गेन पूछता है। तो चिंदी से सम से थ्री चिंदी है, फोर तुम कर सकता है, फाइव तुम कर सकता है। कोशिश करना ये जितने भी सम्स तुम करो अपने हिसाब, अपन ने जैसा वो बनाया था वैसे कोशिश करना। फाइनल आंसर विल बी सेम। स्टेप एक्वेशन मैंने अभी तक सिखाया नहीं है तुमको। हाँ, अभी फुल गुडविल वाला इम्पेयरमेंट पे देयर इज नो गाइडेंस अवेलेबल, बट मेरे हिसाब से अगर फुल गुडविल वाला इम्पेयरमेंट हो रहा है तो आपको फिर गुडविल में से तो माइनस करना चाहिए, बट फिर एनसीआई में से उसका शेयर है, अपना शेयर अपने रिटेन अर्निंग में से माइनस करना, दैट इज माई व्यू। एक क्लियर है? ऐसा कोई आईसीआई का सम मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं। ठीक है, पूछा तो भी तुमको मैं लॉजिकली बताता हूँ। अगर अपना पार्शियल गुडविल था तो अपन ने क्या किया था इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल में, गुडविल में से माइनस किया था और रिटेन अर्निंग में से माइनस किया था। तो अगर फुल गुडविल रहेगा तो गुडविल में से तो माइनस होएगा ही, बट फिर अपना रिटेन अर्निंग में से और एनसीआई का दोनों में से अपना अपना हक माइनस होना चाहिए था। दैट इज अ लॉजिकल अप्रोच। अगर आया तो तुम वो करके आना, आइडियली दैट शुड बी कंसिडर्ड बाई दी एग्जामिनर। सिक्स वाला वो एक्चुअली शायद मैंने तब भी करवाया रहेगा, 103 में मैंने करवाया क्या? अपने पहले पर्टिकुलर होल्डिंग है, फिर एक पर्टिकुलर होल्डिंग है। वो खाली जो प्रीवियस इंटरेस्ट हेल्ड रहता है ना उसको फेयर वैल्यू पे लिखते हैं, तो वो तुम कर पाएगा, कोई इशू नहीं है। ये सम्स छोटे छोटे तुमको देखने हैं, मैं तुमको बता देता हूँ कहां से बोला मैंने। वन से लेके सिक्स सेवन मस्त है। सेवन देखने के लिए मेरे को तुमको एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, बट सेवन के बाजू में लिख दो मस्त है एकदम। ठीक है, और ये सब सम्स के सॉल्यूशन भी तुम्हारे हैंड रिटन वाले पार्ट में भी है, इन आवर फॉर्मेट्स ऑल्सो। तुमको इलिस्ट्रेशन के नंबर के साथ मिलेगा। इलिस्ट्रेशन वन देखो, ये फुल गुडविल मेथड, इलिस्ट्रेशन टू, ये सब अपने इसमें भी सॉल्यूशंस मिलेगा। इलिस्ट्रेशन सिक्स, इलिस्ट्रेशन एट दिख रहा है, बीच में एक आध दो इलिस्ट्रेशन का नहीं मिलेगा, वो एकदम चिंदी सा होगा। सेवेंथ लेकिन टेक्स्ट बुक से करना है, वो नोटबुक में उसका नहीं है बिकॉज वो थियरी क्वेश्चन है। सेवेंथ इलिस्ट्रेशन टेक्स्ट बुक से करना है, वो नोटबुक में हैंड रिटन में नहीं है बिकॉज वो थियरी क्वेश्चन है। एट्थ वाला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से पढ़ना, आंसर नोटबुक से देखना। क्यों? उसका आंसर मस्त एक कुछ भलता फॉर्मेट बना के दे दिया है उसने, एक ऐसा कुछ टेबल बना के उसके अंदर एनसीआई गुडविल सब। शायद तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ ये फॉर्मेट देख के, इसके लिए मैं तुम बोल रहा हूँ अगर डर लगेगा तो अपना नॉर्मल नोटबुक का फॉर्मेट देख लेना। नाइन्थ यू कैन डू, कोई इश्यू नहीं होता। नाइन्थ से सब डिविडेंड है, नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ चारों डिविडेंड है, सब में एक ही अजम्पशन, डिविडेंड जाएगा पी एंड एल में। ये मॉड्यूल मैंने क्या बोला, क्या अजम्पशन करता है? हमको तो डिविडेंड को किधर डालने का है, या तो इनवेस्टमेंट कॉस्ट में लिखा रहेगा या फिर इन्वेस्टमेंट एफवीटीपीएल पे लिखा रहेगा, इसके लिए डिविडेंड तो पी एंड एल। तो नाइन टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ लिख दो डिविडेंड है और सब वो बिंदास डालता है किधर, पी एंड एल। और वो नीचे एस्टिक मार्क डालता है, डिविडेंड इज रिकॉग्नाइज व्हेन द इट इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। ऑब्वियसली तभी तो राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश होता है, वो तो अपने को पता है। 13th भी तुम वहां से कर सकता, 13th का सॉल्यूशन लेकिन नोटबुक, उसका सॉल्यूशन देखो कभी भी कोई भी टेबल बनाता है,
कोई कंसिस्टेंसी नाम का चीज नहीं है, ठीक है। 14th भी तुम कर सकते हैं, इंट्रा ग्रुप एलिमिनेशन करवाया मैंने, इंट्रा ग्रुप एलिमिनेशन तुम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेंट्री परचेस फ्रॉम पेरेंट वो 17 तक तुम कर सकते हैं, क्लियर है। 18 को इग्नोर कर देना, आइडियली है ना। 18th वॉज नॉट प्लान टू बी अ सम, इट वॉज जस्ट अ इलस्ट्रेशन, जो बताना चाहता था कि ऐसा कौन सा होता है। अगर 18 सम एग्जाम में आ गया ना, तुम सिर्फ 18 करते रहेगा, देखो तो। अरे वो एक्चुअली वो, अरे पी हैंडल छोड़ो, कैश फ्लो छोड़ो सब, अरे बेसिकली वो समझा था कि एक नॉर्मल कंपनी का अकाउंट ऐसा होता है, वो कंपनी के एम्प्लॉय लोग दिन रात काम करके वो बनाते हैं, अपने को 3 घंटे में ये क्लियर है। तो मैं वो 18 पे नहीं जा रहा है, उसमें कोई ऐसा अलग एडजस्टमेंट्स नहीं मिलेगा, डोंट वरी। 19 से मैंने तुमको सिखाया नहीं है, ये बाकी है। सो अप टू 18, मतलब 18 को छोड़ के अप टू 17 वी आर थ्रू दैट विद दैट पार्ट। अभी टेक्स्ट बुक में एक चीज बता देता हूं, सो दैट क्वेश्चन 7 तुम आंसर कर पाओ। ये मैंने बोला था क्वेश्चन 7 मस्त है, इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 7 वो आंसर करने के लिए। किधर मिलेगा, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी करके कुछ मिलेगा, किधर है? हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। रिपोर्टिंग पीरियड और यूनिफॉर्म पॉलिसी, ये दो थियरी सुन लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द पेरेंट, किधर है? हाँ 74 पे देखो, नॉर्मली फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल पीरियड एंड ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी सेम होना चाहिए। नहीं होगा रहेगा तो सब्सिडी को बोलेगा चल तू बना और मेरे को सेम करके दे, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडी आर देयरफॉर अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड। लेकिन अगर समझो डिफरेंट डेट्स के हिसाब से प्रिपेयर किया, इम्पॉसिबल है सेम करना, तो पॉसिबल है कि तुम डिफरेंट डेट्स के हिसाब से करो। अगर तुमने डिफरेंट डेट्स के हिसाब से प्रिपेयर किया, तो जो इंटरिम पीरियड बीच में है उसके सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स कुछ हुए रहेंगे, तो उसका एडजस्टमेंट करने का। एग्जांपल, सब्सिडी का ईयर एंड दिसंबर है और मेरा ईयर एंड मार्च, एंड नहीं रिकनसाइल हो पा रहा, पहले तो कोशिश करो दोनों का सेम हो, नहीं हो पा रहा है तो वो जो इंटरिम पीरियड में जो इंपॉर्टेंट अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट हो गया रहेगा, इवेंट्स हो गया रहेगा, तो उसको एडजस्ट करो, लाइक कि मेरा होल्डिंग ही चेंज हो गया रहेगा वगैरह वगैरह। गैप मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स तक का अलाउड है इन केस ऑफ इंडियस, या तो गैप ही नहीं होना चाहिए, वरना मैक्स टू मैक्स किया तो भी 3 मंथ्स, बस उतना सा है। फिर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी बोलता है, अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो यूनिफॉर्म ही फॉलो होना चाहिए। इन केस देयर इज अ डिफरेंस देन फॉर सीएफएस पर्पस अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स विल बी मेड टू एंश्योर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी एट ग्रुप लेवल। एग्जाम्पल, मेरे बुक्स में मैं रिवैल्यूएशन मॉडल कर रहा, मेरा सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल कर रहा है, सेम एसेट है हमारा, कंसो हुआ सेपरेट बुक्स तो दोनों अलग अलग ही बनाया, दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंसो में आधे असेट्स रिवैल्यूएशन आधे कॉस्ट अच्छा लगेगा, सेम कैटेगरी के ऊपर से अलग अलग कैटेगरी का, चलो अलग अलग पॉलिसी हो सकता है। तो बोलता है मैंडेटरी है कि यूनिफॉर्म अलाउंसिंग पॉलिसी करो, उसके लिए जो भी एडजस्टमेंट्स करना है करो। किधर होएगा? सीएफएस लेवल पे वो एडजस्टमेंट, एसएफएस में चेंज मत कर देना, एसएफएस में चेंज किया तो रेट्रोस्पेक्टिवली इंड एज 8 अप्लाई करना पड़ेगा, खाली सीएफएस प्रेजेंट करने के लिए तुम उसको चेंज करेगा, ये क्लियर है? ओके, अब यो इलिस्ट्रेशन 7 क्या है? एक कंपनी का एसएलएम है, दूसरे कंपनी का डब्ल्यूडीबी हो सकता है क्या? क्यों एसएलएम डब्ल्यूडीबी? आइडियली वो एस्टीमेट हुआ एंड नॉट अ पॉलिसी, और इन डेज में लिख कर रखा है मैंडेटरी पॉलिसी सेम होना चाहिए, ये नहीं लिखा है कि मेथड ऑफ डेप्री मैंडेटरी सेम होना चाहिए, और मेथड ऑफ डेप्री इज नॉट अ पॉलिसी नाउ, इट इज अ एस्टीमेट। तो
सब थोड़े एसेट्स पे एसएलएम थोड़ा है प्रोवाइडेड, बस वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए पैटर्न इन विच इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम, बस। मतलब फिर कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है, ये वाला एक्सेप्शन मतलब वो मैंडेटरी चेंज करो ये भी अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। खतरनाक आंसर दिया उसका, तुमको समझा मैंने क्या बोला? तुम नॉर्मली SLMW सोचो, पॉलिसी नहीं है वो याद रखना, इसे चेंज इन एसपी, ठीक है। तो वो पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अभी व्हाट आई एम लेफ्ट मैं बता देता हूँ, सम्स में भी अपने पर्टिकुलर सम्स हो गए 6 7 8 है ना, उसके बाद जो टेस्ट योर नॉलेज में वो पार्ट अभी भी बाकी है पढ़ाना। सर तो वो क्या पार्ट है जिसके सम्स बाकी है अभी भी पढ़ाना है? दैट इज सब्सिडरी है 80 का 85% हुआ, 80 का 75% हुआ, सब्सिडरी का लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया थोड़ा सा, ये आया हुआ है 103 में, ये क्लियर है? तो वो पार्ट को थोड़ा सा मैं समझा के उधर वाइंड अप करें तो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज नॉट मच एट ऑल व्हाट यू कैन डू। अभी अपन जो यूनिट कर रहे थे जिसके इतने सारे इलस्ट्रेशन से अप टू 18 तुमको पढ़ने को बोला, उसके पहले के सारे यूनिट्स के इलस्ट्रेशन तुम कर सकते हो, क्लियर? बट एक काम करना, एज ऑफ नाउ मैंने तुमको खाली क्या बोला, वो कंसोलिडेटेड वाला यूनिट का अप टू 18, कल एक काम करना, कल तक वो 18 तक करके आना, कल मैं ना पूरा चैप्टर ही वाइंड अप कर देगा, फिर तुम सब इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकता है, क्लियर है? बड़े क्वेश्चंस जितने पढ़ाने थे सब हो गए अपने, वो जो बड़ा गंसो बोलता है, अभी ऐसा कोई भी बड़ा क्वेश्चन बचा? क्लियर है? हाँ, एक बचता है चेन होल्डिंग। चेन होल्डिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, वो एक वीडियो सुन लो, वो तो ऑलरेडी अपलोडेड है चेन होल्डिंग का, वो खाली चेन होल्डिंग का, ओनली चेन होल्डिंग का वीडियो, उसमें भी एक ही सम है, वो सम तो करना पड़ेगा, एक ही सम है अपने पास चेन होल्डिंग का, है नहीं? हाँ, अरे वो एग्जाम में पहले आया था, सम बाद में आया, वो अटेम्प्ट जान दो, वो बेचारे बच्चों के साथ क्या हो रहेगा, कौन इमेजिन ना, यू डोंट हैव चेन होल्डिंग इन योर सिलेबस ओनली एंड डायरेक्टली यू सी इन द एग्जाम, पता नहीं क्यों किया इंस्टीट्यूट ने वो, बट ठीक है, लेट अस इग्नोर दैट, होपफुली अपने साथ जो सिलेबस में हो वो आए। हाँ, बट अब सिलेबस में चेन होल्डिंग है, फिर उन्होंने सिलेबस चेंज किया क्वेश्चन पेपर आने के बाद, ठीक है? तो अब सिलेबस में चेन होल्डिंग है, तो वो चेन होल्डिंग का तुमको वीडियो सुनना है, तो कल। हाँ, और एक चीज करके आना, चेन होल्डिंग का वीडियो सुनो, एवरीथिंग देयर इन योर बुक, क्वेश्चन भी तुम्हारे बुक में है, ये वाले में लास्ट में है, देखो चेन होल्डिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, ये चेन होल्डिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29, यही क्वेश्चन मैंने वो वीडियो में सॉल्व किया, ठीक है? सो वी पॉज ओवर हियर टुडे, व्हाट वी आर लेफ्ट वो मैं तुमको सिखाएगा, हाउ टू चेंज एनसीआई, ये वो पेरेंट का एनसीआई का स्टेक वगैरह चेंज हुआ वो मैं सिखाएगा, कल ये चैप्टर वाइंड अप होके अपना छोटा मोटा 27 28 वो खत्म होएगा, आई विल बी स्टार्टिंग विथ 115 टुमोरो, क्लियर है? सो सी यू टुमोरो, टू थिंग्स वी आर गोइंग टू डू, अप टू इलस्ट्रेशन 18 वाला एंड चेन होल्डिंग, वो सुन लो खाली, वो वीडियो उतना देर सुन लिया काम हो जाएगा तुम्हारा। थैंक यू सो मच, चलो जस्ट कंटिन्यू। कौन सा इंडेक्स पढ़ रहा है? इंडेक्स 110 कंसो, उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बाकी है, उसको कंप्लीट करते हैं आज। सम्स तो अपन ने कल सॉल्व किया था, लास्ट में ना एक अच्छा एडजस्टमेंट था वो इन्वेंट्री वाला, जो ईयर में क्रिएट हुआ था ना उसमें लेस फ्रॉम सॉरी इन्वेंट्री का वैल्यू बड़ा था, तो ऐड टू इन्वेंट्री एंड ऐड टू प्री प्रॉफिट था, बट नेक्स्ट ईयर में वो इन्वेंट्री सेल भी हो गया, तो नेक्स्ट ईयर में फिर उस सेकेंड इफेक्ट और एक इफेक्ट देना पड़ा, लेस फ्रॉम इन्वेस्टर, लेस फ्रॉम इन्वेंट्री एंड लेस फ्रॉम पोस्ट, और जब सेकेंड ईयर का किया ना दोनों करना पड़ा, बिकॉज अपन एनालिसिस तो अक्वेशन से करते हैं, तो प्री और पोस्ट तो माइनस करना पड़ा अकॉर्डिंगली, ठीक है? सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं, चेंज इन एनसीआई दैट डज नॉट रिजल्ट इन पेरेंट लूजिंग द कंट्रोल, मतलब वो कैसे हो गया कि मेरा 75 का 70 हो गया या 75 का 80 हो गया, वो वाला, ठीक
इसको कैश फ्लो में कौन सा एक्टिविटी बोला था? फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोला था, वो कैश फ्लो अलग है। अभी अपने को अकाउंटिंग करना है, वो भी कौन से लेवल पे, तो वी आर डूइंग अकाउंटिंग एट सीएफएस लेवल। एसएफएस में तो जो नॉर्मल होगा, व्हेन द प्रपोर्शंस ऑफ द इक्विटी हेल्ड बाय द एनसीआई चेंजेस, इक्विटी शैल एंटिटी शैल एडजस्ट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द कंट्रोलिंग एंड द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट टू रिफ्लेक्ट द चेंज। मैं 70% होल्ड करता हूँ तो एनसीआई 30 होता है, मेरा 75 हो गया तो एनसीआई का 25। तो अगर ऐसा प्रपोर्शन चेंज हुआ तो अपने को भी चेंज करना पड़ेगा। फॉर द डिफरेंस बिटवीन द एनसीआई एडजस्टेड एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन शुड बी एट्रीब्यूटेड टू ओनर। सर ये कैसे होगा, एंट्री क्या पास होगा? अगर एनसीआई बढ़ गया तो और एनसीआई कम हो गया तो विदाउट चेंज ऑफ कंट्रोल, एक एक करके देखते हैं। पहला केस क्या, एनसीआई मतलब अपना होल्डिंग क्या हो रहा है, अपना कम होएगा और एनसीआई, तो लेट अस से 80 का 75 हुआ आवर, तो एनसीआई विल बिकम 20 का 25। मतलब अपन ने शेयर्स बेचा ना, शेयर्स बेचा तो रोकड़ा मिला ना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कितना कैश बैंक अकाउंट डेबिट जितना मिला, टू एनसीआई, थोड़ा सा टू एनसीआई, एनसीआई बढ़ाने का, एनसीआई को अपन नॉर्मली जैसा वैल्यू करता है वैसे प्रपोर्शनेट शेयर इन द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट इतना बढ़ा दो। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, प्रपोर्शनल शेयर इन द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट, बिकॉज ये आफ्टर कंट्रोल है, ठीक है। फेयर वैल्यू तो खाली ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन तक का ही ऑप्शन अवेलेबल है, उसके बाद पोस्ट शेयर खाली ऐड करते थे, ठीक है। तो कंक्लूजन, अगर एनसीआई कम हो रहा है तो एनसीआई बढ़ रहा है तो एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एनसीआई, कैश बैंक अकाउंट डेबिट जो भी पैसा रहेगा वो टू एनसीआई, प्रपोर्शनल शेयर इन द नेट एसेट, ये एंट्री टैली नहीं होगा, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इक्विटी में जाएगा, बिकॉज ये खुद के साथ डील करने जैसा डिफरेंस है, कंट्रोल अभी भी है, ग्रुप में इंटरनल घर का मामला हो गया अभी है, आपस का चेंज इन थोड़ी ना पी एंड एल में डाल सकता। नेक्स्ट एनसीआई कम हो गया, एनसीआई कम हो गया मतलब समझो अपना 80 का 85 हो गया, तो एनसीआई 20 का, अरे हाँ एनसीआई 25 20 का, एनसीआई कम हो गया तो एनसीआई डेबिट, एनसीआई डेबिट कितने पे होगा, कैरिंग अमाउंट। सर कैसे कैलकुलेट करेगा, अपने पास एनसीआई का कैरिंग अमाउंट रहेगा 25% के लिए, कैरिंग अमाउंट इतना, तो 15 के लिए कितना, प्रपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट में भी कैसा प्रपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट कैंसिल होगा। अरे अपना 25 का 15 हुआ ना, तो 20 के लिए कैरिंग अमाउंट इतना था तो 15 के लिए इतना होना चाहिए, तो जितने से कैरिंग अमाउंट चेंज हुआ उतना ही कैंसिल करेगा। मैं अदर वे राउंड तो मैं ऐसे ढूंढ सकता है, अगर 20 का कैरिंग अमाउंट इतना है तो 5 का कितना, तो डायरेक्टली तुमको चेंज मिल जाएगा, वो एनसीआई कैंसिल करेगा टू कैश बैंक, कैश बैंक तो जितना पे किया रहेगा ये शेयर्स खरीदने के लिए, डिफरेंस इक्विटी में चला जाएगा, डिफरेंस कितना चला जाएगा, क्यों इक्विटी में गया, खुद के साथ डीलिंग, सिंपल बोलो एनसीआई बढ़ाने का है तो प्रोपोर्शनल शेयर इन नेट एसेट, एनसीआई कम करना है तो प्रोपोर्शनल कैरिंग अमाउंट, बाकी कैश बैंक तो रहेगा, टैली नहीं होएगा, किधर जाएगा, इक्विटी। हो गया क्लियर? इलिस्ट्रेशन नंबर 21 ऑन द सेम, उसको 20 कर दो ना, इलिस्ट्रेशन 20 जाओ अपने बुक में, इलिस्ट्रेशन 20 थोड़ा सा आगे से ना, अभी नंबर्स चेंज करना पड़ेगा मुझे, वो एक सम इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया जो गलत था, तो अभी उसके सारे जो नंबर्स थे अभी वो हैंड रिटन वाले पार्ट में जो स्टूडेंट ने सवाल किया था उधर 21 होगा, तो अपने जो प्रिंटेड वाले पार्ट में वो 20 हो जाएगा, एक एक सम पीछे आ जाएगा, ठीक है। बीच में का एक सम इंस्टीट्यूट ने उड़ा दिया, फाइन इनाफ, तो मैं 20 पढ़ता हूँ। इन मैंने कहाँ तक तुमको ऑलरेडी करवा दिया था, 18, उसमें भी 18 छोड़ने उसके पहले तक हो गया था, ठीक है। तो मैंने बीच में अभी एक 19 छोड़ा, मैं 20 से कंटिन्यू कर रहा हूँ,
पीक सेल्स 20% इंटरेस्ट इन अ होली ओन सब्सिडी टू आउटसाइडर फॉर 100 लाख इन कैश. 100 लाख इन कैश. कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट इज 300 लाख इंक्लूडिंग 65 लाख ऑफ गुडविल फ्रॉम द सब्सिडरी. पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. पहले मैं 100% होल्ड करता था, अब मैं 80% होल्ड करता है. तो एनसीआई पहले 0% होल्ड करता था, एनसीआई अब 20% होल्ड करेगा. सर एक काम करो, नया एनसीआई निकालो, प्रोपोर्शनल शेयर इन द नेट एसेट्स बोल के. कितना नेट एसेट्स सामने वाले का? 300. 300 का प्रोपोर्शनल शेयर 300 × 20%. हाँ 60 पे एनसीआई दिखेगा और ये अपन सेल करके कितना पैसा मिला रोकड़ा? 100. डिफरेंस इक्विटी खत्म. क्लियर है? सामने वाले का जो भी नेट एसेट्स है उसका प्रोपोर्शनेट शेयर एनसीआई. कोई डाउट है? पक्का आगे बढ़ो. पर एक चीज समझा ना, प्रोपोर्शनेट शेयर इन द नेट एसेट्स है वो ही मैंने अज्यूम किया कि वो फेयर वैल्यू रहेगा. तो समझा है? ग्रुप विल एडजस्ट द कंट्रोलिंग एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंगली एंट्री पास होगा. फाइन इनफ. नेक्स्ट वाला करो कुछ से. 21 तुम्हारे बुक में है ना, उसको नेक्स्ट वाले को 21 कर दो. अक्वायर किया था 6000, फेयर वैल्यू इतना था, नेट एसेट्स इतना था, गुडविल इतना था, फर्दर इतना अक्वायर किया, फर्दर इतना अक्वायर किया तो एनसीआई कम हो गया. इतना पे किया कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई इतना था. ये एनसीआई बढ़ाने का ही कम करने का? कम करने का तो सीधा कैरिंग अमाउंट में से. जब एनसीआई 40% था, कैरिंग अमाउंट 2000 था, अभी 20% उड़ाने का तो 2000 उड़ाने का. प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशंस. एनसीआई उड़ाया, कैश पे कर दिया, डिफरेंस इक्विटी में डाल दिया. प्रोपोर्शंस of NCI change then the group will adjust the controlling and non-controlling interest and any difference will be transferred to any difference between the NCI so adjusted and the fair value of the consideration will be transferred to other equity. Barabar hai. So the next illustration wo aise extra information wo use nahi karna tha, wo bhi kuch kaam ka nahi abhi mere ko. एज ऑफ नाउ मेरे को खाली क्या करने का रहता है, जब एनसीआई कम होता है एनसीआई को कैंसिल करने का, पेमेंट करने का, डिफरेंस किसमें? बी का फेयर वैल्यू इस कंपनी का फेयर वैल्यू, नेट एसेट्स का फेयर वैल्यू और कंपनी के फेयर वैल्यू में फर्क हो सकता है. नेट एसेट का फेयर वैल्यू इज ओनली एसेट माइनस लायबिलिटी. कंपनी का फेयर वैल्यू विल बी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर भी कर सकते हैं. एक होता है अपना मार्केट अप्रोच, एक बुक अप्रोच, तो दोनों फर्क हो सकता है. बट अपन जब गुडविल करता है, गुडविल रिकॉर्ड कैसे करता है, तो पीसी को कंपेयर करता है विद द
नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का फेयर वैल्यू लेता है बराबर, और एनसीआई, एनसीआई तो उसने अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड किया था, प्रपोर्शनेट शेयर इन द नेट एसेट्स बोल के एनसीआर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। 22, तो अभी तुम्हारे बुक में उसको 22 कर दो, नेक्स्ट वाले सम को नंबर 22 कर दो, ए लिमिटेड ने 10% एडिशनल अक्वायर किया ऑफ इट्स 70% सब्सिडरी, ऑलरेडी 70% सब्सिडरी उसका 10% और किया, मतलब वो 80% किया, मतलब एनसीआई कम हो गया, एनसीआई 30% से कितना हो गया अभी 20%। रेलेवेंट डेटा बहुत कुछ देगा वो, इन्वेस्टमेंट, एडिशनल परचेस के लिए पेमेंट, एनसीआई, कंसोलिडेटेड पीएनएल, गुडविल वगैरह वगैरह बहुत कुछ देगा, रिपोर्टिंग डेट ये है, एडजस्टमेंट क्या करना है अपने वो, ये सब कुछ नहीं, अपने वो पेमेंट पहले तो करना है, कितना पेमेंट करना है, 2600 का पेमेंट करने का, एनसीआई प्रपोर्शनेटली कैंसिल करने का, 30% के लिए 6600 है, 10% कैंसिल करना है, 30 के लिए अगर 6600 है तो 10 के लिए कितना, 2000, बस वो 2200 कैंसिल करना है, हो गया मेरा, ये रहा 2600, ये रहा 2200, डिफरेंस इक्विटी में, इतना सब डेटा दे के रखा है उल्लू बनाने के लिए, ये तुमको ऑब्जर्व आपने क्लियर लिखा था ना, एनसीआई कैंसिल करने का रहेगा तो जो प्रपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट है कैंसिल करो उसको, तुम बराबर पेमेंट किया उसको रिकॉर्ड कर दे, डिफरेंस को इक्विटी में डाल दे, गेम ओवर हो गया। नेक्स्ट, कमिंग बैक टू द थियोरी वाला पार्ट, यहां तक क्लियर है, चलो नेक्स्ट थियरी वाला कॉन्सेप्ट, लॉस ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे ना कंट्रोल का ही लॉस हो रहा है, मतलब मैं 70% होल्ड करता था, अब मैंने वो बेच दिया, 70 का 0 हो गया, 70 का 30 हो गया, 70 का 20 हो गया, सब कवर्ड है उधर, कंट्रोल का लॉस होना चाहिए। इफ द पेरेंट लूजेज द कंट्रोल ऑफ द सब्सिडियरी देन फॉलोइंग विल हैपन इन सीएफएस, सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू। एक बात बोलो, कंट्रोल नहीं रहेगा तो विल आई कंसोलिडेट, वापस कंट्रोल नहीं रहेगा तो विल आई कंसोलिडेट, नो, तो कंसोलिडेट नहीं करेगा मतलब सामने वाले के एसेट्स लायबिलिटी मेरे बुक्स में नहीं दिखेंगे, एनसीआई नहीं दिखेगा, वो गुडविल नहीं दिखेगा, सब उड़ेगा। सीएफएस पॉइंट ऑफ व्यू सोचेगा ना, एसेट्स लायबिलिटी एनसीआई गुडविल सब उड़ाना पड़ेगा, और अभी इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा अगर कुछ रहेगा तो। अगर समझो पहले 70% होल्ड करता था तो कंसोलिडेट करता, अभी 10% होल्ड करता है, 60% बेच दिया तो 10% होल्ड करता, अब वो इन्वेस्टमेंट दिखेगा, इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया तो ऑब्वियसली कुछ नहीं दिखेगा, और ये सबके लिए पैसा मिलेगा, क्यों पैसा मिलेगा, सेल किया, ओके, द डिफरेंस विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। पढ़ते डिफरेंस कैसे एडजस्ट होगा, पहले तो क्या क्या कैंसिल होगा, यू विल डी रिकॉग्नाइज द एसेट्स लायबिलिटीज ऑफ द सब्सिडियरी इंक्लूडिंग गुडविल एट देयर कैरिंग अमाउंट। कुछ भी बुक्स से बाहर निकालना है तो कौन सा अमाउंट है कैरिंग, फर्दर कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी एनसीआई इज ऑल्सो डी रिकॉग्नाइज, क्यों एनसीआई को क्यों डी रिकॉग्नाइज करो, अभी कंसोलिडेट ही नहीं कर रहा तो एनसीआई कहां से आएगा, क्लियर है, गुडविल एनसीआई एसेट्स लायबिलिटीज सब डी रिकॉग्नाइज कर दिया, रिकॉग्नाइज क्या करेगा तो, रिकॉग्नाइज एनी इन्वेस्टमेंट अगर रहेगा तो, जो भी नया कुछ रिकॉग्नाइज करेगा तो किस पे वैल्यू पे, फेयर वैल्यू, नया इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होगा फेयर वैल्यू पे, सारी चीज जो कैंसिल हो रहे थे वो कैरिंग अमाउंट पे कैंसिल हो रहे थे, ये जो फेयर वैल्यू होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा अदर इंडेक्स के लिए, ये इंडेक्स में तुमने लिख दिया वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू, अगर समझो मेरा 10% का ही बचा उसको लिख दिया तो दैट विल बिकम स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर इंडेक्स लाइक 109 अगर वो उधर जाता रहेगा, या फिर अगर वो 28 में जाता रहेगा वो मेरा एसोसिएट वगैरह होता था तो 28 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, इट विल बी डीम्ड एज कॉस्ट,
या तो तुम उसको 109 का फेयर वैल्यू कंसिडर कर लेगा या फिर उसको डीम्ड कॉस्ट कर लेगा 128 के लिए. 28 के लिए कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट और डीम्ड कॉस्ट करके जो भी तुमने लिखा उसको डीम कर देंगे कि वही कॉस्ट है अपना. क्लियर? फर्दर द फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड. कैश बैंक अकाउंट डेबिट जो कंसिडरेशन आएगा. एंड रिकोगनाइज द गेन और लॉस इन पी एंड एल, और रोड एंट्री का जो भी डिफरेंसेस रहेगा वो पी एंड एल में जाएगा. सो टेल मी द एंट्री ना सोच समझ के. कैश बैंक अकाउंट डेबिट, फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कौन सा वैल्यू, फेयर वैल्यू जो बैलेंस रहेगा, फिर लायबिलिटी कैंसिल कैरिंग अमाउंट डेबिट करेगा. ओके, एसेट्स कैंसिल करेगा, क्रेडिट एसेट्स कैंसिल करेगा तो क्रेडिट कैरिंग अमाउंट, गुडविल कैंसिल करेगा तो क्रेडिट कैरिंग अमाउंट, एनसीआई डेबिट करेगा कैरिंग अमाउंट कैंसिल करने के लिए. ओके, और सब सब लिख के हो जाएगा तो डिफरेंस. एक्स्ट्रा पॉइंट, पेरेंट शैल अकाउंट फॉर ऑल अमाउंट्स रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई इन रिलेशन टू सब्सिडियरी एज इफ इट हैड डायरेक्टली डिस्पोज्ड ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एग्जाम्पल, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रिलेटेड टू सब्सिडियरी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओसीआई टू अदर इक्विटी यूजिंग इंड एस 16. ये क्या समझो, जब तक मेरा सब्सिडियरी था तो उसने रिवैल्यूएशन किया रहेगा तो मैं, मेरे पास जब वो प्रॉफिट आएगा तो मैं उसको ओसीआई में डालेगा. बट अब मेरा लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया, लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया तो एज इफ की डिस्पोज हो गया. जब तुम्हारा ओसीआई में गया हुआ कि डिस्पोज ऑफ होता है या तो ओसीआई रिसाइकल होता है या तो ओसीआई नॉट रिसाइकल. उसने एग्जाम्पल में रिवैल्यूएशन रिजर्व लिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व रिसाइकल वाला होता है कि नॉट रिसाइकल वाला? नॉट रिसाइकल वाला होता है. तो फिर मैं क्या करेगा उसको, ओसीआई से निकल के डायरेक्टली एक एज इफ कि तुमने वो एसेट डिस्पोज कर दिया. तो सर ये लिखने की जरूरत कि हम लोगों को समझा ना कि अपन ने सब्सिडी डिस्पोज किया तो अपन यही करेंगे. बहुत बार क्या होता है, अपन 70% होल्ड करते हैं, उसमें से अपन 60 बेचते हैं, अभी कितना रिटेन करते हैं, 10% फिर भी रिटेन करते हैं. बट क्या वो सब्सिडी रहा है क्या? नहीं, तो सब्सिडी रिलेटेड कुछ भी तुमने रिकॉर्ड किया रहेगा वो तुमको डी रिकोगनाइज करना पड़ेगा एज इफ कि तुमने सब्सिडी को पूरा पूरा सेल दिया. क्योंकि अभी सब्सिडी का कोई भी अमाउंट अपने को खाली वो इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लिखना है. क्लियर है? एज इफ कि तुमने सेल कर दिया. एंड अगर तुमने कुछ चीज ओसीआई में डाला तो या तो ओसीआई से रिसाइकल करके पी एंड एल में जाएगा या तो ओसीआई से डायरेक्टली अदर इक्विटी डिपेंडिंग अपॉन ओसीआई में गया क्या था. बराबर? पेरेंट माइट लूज कंट्रोल इन टू और मोर अरेंजमेंट्स, हाउएवर सच मल्टीपल ट्रांजैक्शंस मे बी अकाउंटेड एज सिंगल ट्रांजैक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन. एग्जाम्पल, मैंने सोच के रखा था कि ये सब्सिडियरी को बेचना है. मैं कैसे पता है बेचने लगा? आज 10%, कल 10%, परसों 10%, ऐसा 10-10-10-10 करके बेचने लगा. इन सब्सटेंस वो पूरा एक ही डिस्पोजल काउंट करके अकॉर्डिंगली साथ में अकाउंट होगा. वो बोलता है इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल ट्रांजैक्शन लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड द कंडीशन. सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म. एंट्री लिखा है कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू इफ एनी हो जाएगा. एनसीआई अकाउंट डेबिट कैरिंग अमाउंट कैंसिल होगा टू नेट एसेट्स कैरिंग, नेट एसेट्स लिख दिया हम लोग, एसेट्स और लाइबिलिटीज कैरिंग अमाउंट पे कैंसिल होगा, गुडविल कैंसिल होगा, और ये एंट्री का जो भी डिफरेंस है वो पी एंड एल में चला जाएगा. रजिस्ट्रेशन क्या करेगा इसका नंबर बोलो? 25 करेगा इसका नंबर. क्यों 25 करेगा? वो एक सम डिलीट हो गया है. आ जाओ, रेडी. इन मार्च ग्रुप हैड 60% इंटरेस्ट इन सब्सिडरी विद अ शेयर कैपिटल ऑफ 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स. अपने पास कितना परसेंट होल्डिंग था? अपने पास कितना परसेंट होल्डिंग था? 60%. तो 60% में कंट्रोल है कि नहीं है? कुछ नहीं बोला तो कंट्रोल है. कैरिंग अमाउंट ऑफ द गुडविल 20,000 एज ऑन मार्च कैलकुलेटेड यूजिंग पार्शियल गुडविल मेथड. समझता है पार्शियल गुडविल मेथड? इन ऑन 31 मार्च एन ऑप्शन हेल्ड बाय द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स वॉज एक्सरसाइज एंड दे गॉट फर्दर 25,000 शेयर्स इन सब्सिडी एट 12 per share रेजिंग 3 lakh. अपने पास 60% होल्डिंग होता था 50,000 का. एक बात बोलो, 50,000 का 60% कितना होता है?
30,000 शेयर्स अपने पास होता था अस, माय एनसीआई के पास कितने शेयर्स होते थे? 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स उनके पास होते थे, अपने पास 30,000 होता था। सो नाउ वी वर हैप्पी कि अपने पास कंट्रोल है, लेकिन अचानक क्या हो गया, एक ट्रांजैक्शन हो गया कि माइनॉरिटी के पास एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन को उन्होंने एक्सरसाइज करके उनको और 25,000 शेयर मिल गया, और अब अपने पास नहीं था वो ऑप्शन। तो माइनॉरिटी के पास वो ऑप्शन था, तो एनसीआई वाले जो शेयर्स है उसमें वो 25,000 ऐड हो गया। बोलो उसका कितना हो गया? उसके पास 45,000 शेयर्स आ गया और मेरे पास 30,000 शेयर हो गया, अचानक मैं एनसीआई हो गया। क्लियर है? कैन आई से इट इज लॉस ऑफ कंट्रोल? लॉस ऑफ कंट्रोल का अकाउंटिंग तो जो उधर लिखा वही करना पड़ेगा, तो उसमें कैश बैंक अकाउंट डेबिट 0 लिखना पड़ेगा। क्यों? अपने को जो रोकड़ा मिला उसने शेयर सब्सक्राइब किया कंपनी के पास, अपने को तो कुछ पैसा नहीं मिला। अपन ने शेयर बेचा अपना, अपना 30,000 शेयर का 30,000 शेयर ही है, लेकिन फुकट का अपना भी वाट लग गया। नेट एसेट्स इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज दिस मच एक्सक्लूडिंग गुडविल। कैलकुलेट गेन और लॉस। गुडविल का अमाउंट भी ऊपर दिया है। एक मिनट, सब पहले तो कैंसिल करना चालू करेगा, गुडविल कैंसिल करेगा। फिर एक काम करता ना, वो जो एंट्री इधर लिख के रखा था ना, उसको ही मैं बाजू में फिल करने का कोशिश करता हूँ। ये दिख रहा है ये वाला? कंसिडरेशन 0, इन्वेस्टमेंट इफ एनी उसका फेयर वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट है, बचेगा। हाँ, अपने पास 30,000 शेयर तो बचेगा। अभी उसका फेयर वैल्यू निकालना, कैसे निकालू 30,000 शेयर का फेयर वैल्यू? कुछ हिंट दिया, 12 रुपीज यूज कर सकता है बिकॉज उतने पे इशू हुआ, तो विल अज्यूम दैट इज द फेयर वैल्यू। तो मैं उधर ही लिख देता हूँ, कितना बचा अपने पास? 30,000 × 12 करो, कितना होता? 3,60,000। एनसीआई को उड़ाएगा, एनसीआई कैलकुलेट करके दो, तो प्रपोर्शनेट शेयर इन द नेट एसेट, यहाँ पे जितना है उतना ही उड़ाना पड़ेगा। 4,50,000 है, 4,50,000 का प्रपोर्शनेट शेयर अपने बुक्स में क्या दिखता रहेगा? पार्शियल गुडविल मेथड है, 1,80,000 ही दिखता रहेगा पार्शियल गुडविल मेथड में, जो नेट एसेट होता है उसका शेयर होता है, बराबर। फिर नेट एसेट 4,50,000 उड़ेगा, गुडविल 20,000 उड़ेगा, पूरा जर्नल एंट्री लिख के हो गया। सब आधा चीज कैरिंग अमाउंट पे उड़ाया और इन्वेस्टमेंट खाली फेयर वैल्यू पे लिखा, डिफरेंस किधर जाएगा? पी एंड एल, एंड पी एंड एल में 70,000 का डिफरेंस आता है। ये एंट्री का डिफरेंस पी एंड एल में गेन करके 70,000 जाता। ठीक है, अपने बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितने पे दिखेगा अभी? 3,60,000, वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा अदर इंडेक्स अप्लाई करने का। 109 में भी जा सकता है, 28 में भी जा सकता है। क्लियर है? अगर मैं बोलूँ मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो एसोसिएट 28 में, और जो भी रहेगा दैट विल बी डीम्ड एज कॉस्ट फॉर फर्दर कैलकुलेशन, एंड वो एंट्री कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, 25 हो गया। अभी नेक्स्ट वाले का नाम 26 करो। ये सबको समझा है, जर्नल एंट्री पास करने का, डिफरेंस पी एंड एल में डालने का। पेरेंट परचेज 80% इंटरेस्ट इन सब्सिडियरी फॉर दिस मच ऑन 1 अप्रैल व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ दिस नेट एसेट वाज दिस मच, गुडविल ऑफ दिस मच अरोज अंडर पार्शियल गुडविल मेथड। उसने खुद बताया पार्शियल गुडविल मेथड, मतलब एनसीआई वाज मेजर्ड एट प्रोपोर्शनल शेयर इन द नेट एसेट। इंपेयरमेंट ऑफ द गुडविल वाज 8,000 विच वाज चार्ज इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 8,000 से गुडविल कम कर दिया था, तो 20,000 के बदले भी वो 12,000 हो गया था। ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? आगे, द पेरेंट सोल्ड इट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ऑन दिस डेट फॉर दिस मच, सेल कर दिया सब्सिडरी को, लॉस ऑफ कंट्रोल। बुक वैल्यू ऑफ द सब्सिडरी नेट एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल वॉज दिस मच, जिस दिन पे सेल हुआ उसमें उस दिन नेट एसेट कितना था, उस दिन का जो नेट एसेट था उड़ाना पड़ेगा। गुडविल तो अलग से था, 12,000, 12,000 कैसे आया ये गुडविल? ओके, व्हेन द सब्सिडरी मेट द क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर,
नो राइट डाउन वॉज रिक्वायर्ड बिकॉज द एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वॉज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट. पेरेंट कैरिड द इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट कॉस्ट इंड एस 27 में पता अलग अलग होता है. कॉस्ट पे कर सकता है, एफपीटीपीएल वगैरह पे कर सकता है. कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोथ. अभी तक मैंने किसका सिखाया तुमको? अब भी सीएफएस, तो सीएफएस वाला तो करो, एसएफएस वाला मैं बता देता हूँ. सीएफएस वाले में क्या करेगा देखो, एंट्री कैसे पास करेगा, कितना पैसा मिला, इन्वेस्टमेंट पूरा सेल किया है. एनसीआई प्रपोर्शनेट शेयर इन द नेट एसेट बोला उसने, पार्शल गुडविल मेथड. यू विल पास द जर्नल एंट्री, कितना पैसा मिला डेबिट, इन्वेस्टमेंट तो जीरो. एनसीआई उड़ाएगा एट 225,000 का कितना परसेंट? 20%. यही को कैरिंग अमाउंट रहेगा एनसीआई का, बिकॉज प्रपोर्शनेट शेयर इन द नेट एसेट था, उसके बाद भी पोस्ट शेयर मिला रहेगा उसको. नेट एसेट्स उड़ेगा, गुडविल 12,000 उड़ेगा और डिफरेंस पी एंड एल में चला जाएगा. ठीक है, कौन से लेवल पे ये एंट्री पास हुआ? अभी SFS में सुनो, SFS में आई हैव ऑप्शंस कि इंड एस 27 फॉलो करूं, उसके हिसाब से इन SFS आई कैन मेजर एट कॉस्ट और आई कैन मेजर एट फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल. ऐसे ऑप्शन था, इनफैक्ट इससे ज्यादा पड़ा था ऑप्शन अपन में. अब इस सब में देखे रखा उसने कौन सा मॉडल फॉलो किया, कॉस्ट, ये क्वेश्चन में देखे रखा. ठीक है, अब इसका मतलब है मेरे बुक्स में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे दिखता रहेगा SFS में. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ढूंढो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? 1,60,000, तो 1,60,000 दिखता रहेगा अपन, और कुछ नहीं करेगा, कॉस्ट मॉडल फॉलो किया रहेगा. तो इन्वेस्टमेंट कैंसिल करूंगा 1,60,000 पे, पीसी 2,00,000 का रिकॉर्ड करूंगा, डिफरेंस पी एंड एल खत्म हो गया. SFS में तो और कुछ होगा ही नहीं, SFS में थोड़ी ना सामने लगा नेट एसेट, नहीं ये ना कुछ नहीं, उधर तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिखता है. और कोई भी एसेट बेचा तो बचपन वाला एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिफरेंस पी एंड एल, एसेट कैंसिल होता है कैरिंग अमाउंट पे. तो ये SFS इज एनीथिंग आउट ऑफ द वे कि नॉर्मल, एंड SFS में कॉस्ट है वो खुद दिया. SFS में हाँ चलो FVTPL होता तो भी बात अलग है, तो शायद इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कुछ और होता था. तो क्लियर है? इधर है ही नहीं एनसीआई की तरह सामने पढ़ो. नहीं नहीं किधर, क्या नहीं एनसीआई दिखाई है ना, वो नंबरिंग नंबरिंग उसके अंदर एनसीआई नहीं दिखाया. वन सेकंड, इसके सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन जानना. आंसर आया, 8 आया उसको, उसने खाली देखो क्या. हाँ
पूरा नहीं लिया 2,25,000, तो ऑटोमेटिकली वो एनसीआई कैंसिल, ठीक है? वो कभी कुछ करते हैं कभी कुछ, जो लेट अस अवॉइड दैट। तो यहाँ पे इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी नीड टू एग्जाम में तो वी नीड टू जस्ट पास दिस एंट्री, जनरल एंट्री, एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, ठीक है? चलो, टेस्ट योर नॉलेज, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, टेस्ट योर नॉलेज। तो मार्क करो कौन सा क्वेश्चन किधर का जंप करते रहता है अपन, और तुमको एकदम चिंदी लगे तो बाद में क्रॉस, क्या बाद में, अभी रिवाइज करने का टाइम नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन है सर, 2 मिनट के अंदर सॉल्व होगा, ध्यान देना। टी लिमिटेड हैज अ नंबर ऑफ होली ओन सब्सिडरी इंक्लूडिंग एस, तो अपने पास बहुत सब्सिडरी है, उसमें से एक कौन है? एस, एक आधा। प्री प्राइवेट लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ग्रुप कैरिंग अमाउंट ऑफ द एस, दैट इज द अमाउंट इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एस आर एस फॉलोस। ये जो पहला कॉलम है कंसोलिडेटेड, ये पी एंड ऑल इट्स सब्सिडरी है, ये समझा? ग्रुप कैरिंग अमाउंट ऑफ एस मतलब एस कि कितने अमाउंट्स ये पी के अंदर इंक्लूडेड, मतलब ये एस का एसएफएस नहीं है, तो क्या है? एस के कितने अमाउंट्स कितने में सीएफएस में इंक्लूडेड हो, ये तो मतलब कोई एक एक्सट्रैक्ट जैसा है, ये एक्सट्रैक्ट है, इसको मैं पूरा बैलेंस शीट नहीं बोल सकता, क्लियर है? देखो टैली भी नहीं हो रहा नीचे, देखो कैसा टैली होगा, एक्सट्रैक्ट है, क्लियर? बट कंसो पूरा है, कंसो पूरा है ना, उसमें पी प्लस एस है कि पी प्लस ऑल इट्स सब्सिडरी है, ऑल उसके बहुत सारे सब्सिडरी है, उसमें से एस के अमाउंट कितने छुपे हुए देख रखा है, मतलब 380 में से 180 एस का, बाकी किसी और का, खुद का हो या कोई और सब्सिडी का हो, जो भी हो, सो ऑन सो फोर्थ। नाउ और सारे होली ओन सब्सिडरी है, कैसा है? पी ने का बैलेंस शीट बना के दो कंसोलिडेट आफ्टर डिस्पोजल व्हेन पी सोल्ड 100% शेयर्स ऑफ एस फॉर 3,000 मिलियन। पूरा एस बेच दिया किसी को 3,000 मिलियन में, तो एस रिलेटेड जो भी दिखता रहेगा बुक वैल्यू पे कैंसिल होगा, 3,000 मिलियन रिकॉर्ड होगा डिफरेंस। ओके, तो गुडविल क्रेडिट कर देंगे, बिल्डिंग क्रेडिट कर देंगे, इन्वेंटरी क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, कैश, ये दिख रहा है ये वाला, ट्रेड पेबल डेबिट, कैश बैंक वो 3,000 मिलियन डेबिट, डिफरेंस पी एंड एल। चिंदी सितारा एकदम, यू विल डिस्पोज ऑफ ऑल द नेट एसेट्स, बिल्डिंग, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, ट्रेड पेबल्स, विल डिस्पोज ऑफ द गुडविल, यू राइट द कंसिडरेशन डिफरेंस, यू विल पार्ट कंसिडर एज द गेन, 440 का गेन आता है, देखो जर्नल एंट्री देखे रखे थे, कोई बड़ा समय सिंधी सा है, जवाब गया सेवेंथ वन, थोड़ा सा फर्क खाली सेवेंथ वन में यह है कि अपन ने ना 90% सेल किया, दिख रहा है क्या, मतलब 10% रिटेन किया, और वो जो 10% रिटेन किया ना, उसका वैल्यू नहीं दिया, उसका वैल्यू खतरनाक वे में लिया उसने मॉड्यूल में, ये जो इन्वेस्टमेंट डेबिट है ना, बस वो ही संभालने का, इस टाइम इन्वेस्टमेंट डेबिट उसने कैसे वैल्यू किया, जो भी सामने वाले का वर्थ इट है, ये पूरा वर्थ था नेट एसेट प्लस गुडविल, उसका कितना परसेंट लिया, 10% उसको फेयर वैल्यू अज्यूम किया है, फेयर वैल्यू डायरेक्टली दिया नहीं है, इसके लिए ऐसा किया है, एक आध समय फेयर वैल्यू डायरेक्टली दिया था तो अपन ने डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर्स इनटू दैट फेयर वैल्यू किया था, बट यू कैन आर्ग्यू विद मी ऑल्सो
कि सर अपने को 1000 मिला ना 90% के लिए, बराबर, तो फिर 10% का कितना? यू कैन आर्ग्यू ऑल्टरनेट आंसर्स आर पॉसिबल, दिस इज मॉड्यूल का आंसर। या तो उसको चुपचाप मेरे को क्या देना चाहिए था, फेयर वैल्यू देना चाहिए। उसने ये अज्यूम किया कि 90% सेल करके जो पैसा मिला मे बी वो फेयर वैल्यू नहीं, अफेक्टेड प्राइस हो। तो उसने क्या किया, जो भी नेट एसेट्स का वर्थ इट था और उसमें जो गुडविल था वो सब ऐड किया, वो कंपनी का वर्थ 100% कंपनी का वर्थ इंटू कितना परसेंट किया, 10%, बट टोटली डिबेटेबल, ऑल्टरनेट आंसर्स आर पॉसिबल। आई एम डन विद दैट सम, चेक टेस्ट योर नॉलेज। और एक ही सम बचा होता नीचे ना, वो तो तुमको खुद से करना हो, कुछ नहीं है उसमें, सीएफएस एसएफएस में क्या हो बाद में कर लेना। तो टेस्ट योर नॉलेज के सारे सम्स हो जाएंगे, तुमको एट्थ वाला सम खुद से करना है, ठीक है? चलो हैंड रिटन वाले पार्ट पे आ जाते हैं वापस। बोलो बोलो, वो 90% के लिए 1000 है तो 10% कितना वो भी कर सकते थे, मॉड्यूल। एंड इफ यू वांट राइट अ नोट ऑल्सो, ऑल्टरनेट आंसर आर पॉसिबल एज फेयर वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन इंड एस एंड एस, ठीक है, यू कैन रीड ऑन योर ओन, सब कुछ देख रखा हुआ। कम टू इंड एस 27, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई हैव टॉट सम पार्ट ऑफ दिस, इसका मैंने थोड़ा सा पार्ट तुमको सिखा दिया है। कब सिखाया सर? वो अपन डिविडेंड कर रहे थे ना, तब सिखा दिया था कि एसएफएस में वो डिविडेंड कैसे दिखता है। ठीक, अब अपन एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेगा, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी तक अपन ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखा था, अब नया टर्म आया, बोलो कौन सा? इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क क्या है? वो तो हमको एक ही लगता है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिविजुअल फाइनेंस। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले तो जो अपने को आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ग्रुप, ग्रुप का, इन विच एसेट्स लायबिलिटी इनकम इक्विटी, एसेट्स लायबिलिटी इक्विटी इनकम जो भी है, एंड कैश फ्लोज ऑफ द पेरेंट एंड सब्सिडियरी आर प्रेजेंटेड इन एज अ सिंगल एंटिटी, सब कुछ साथ में दिखता है, वो कंसो होता है। फर्दर द इन्वेस्टमेंट, फर्दर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन विच इक्विटी मेथड इज अप्लाइड आर ऑल्सो नोन एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने अपने एसोसिएट को इक्विटी मेथड के हिसाब से दिखाया, मैंने जॉइंट वेंचर को इक्विटी मेथड के हिसाब से दिखाया, मैंने सब्सिडियरी को कंसोलिडेट किया, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। जहां पर अपन ने अमाउंट्स को काफी ऑल्टर किया, सब्सिडियरी के लिए तो पूरा कंसोलिडेशन किया, एसोसिएट जॉइंट वेंचर के लिए इक्विटी मेथड के हिसाब से दिखाया, तो दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन फैक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा एक एसोसिएट ही है, मेरा कोई सब्सिडियरी नहीं है, मेरा कोई सब्सिडियरी नहीं है, मेरा खाली क्या है एक असोसिएट, तो मेरा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नॉर्मली दिखेगा 109, या जो कॉस्ट मॉडल रहेगा जो भी रहेगा, बट मेरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इक्विटी मेथड के हिसाब से दिखेगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इन्वेस्टमेंट कौन से मेथड के हिसाब से दिखेगा, क्लियर? मतलब जो भी मस्ती करना आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करना। नेक्स्ट आता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स विच इन इन विच इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर आर आइदर अकाउंटेड एज कॉस्ट और एज पर इंड एज 109। मैंने तुमको बोला था ये जो भी इन्वेस्टमेंट होता है या तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर सकते हैं या तो 109 के हिसाब से सकता है। अरे यही पढ़ के तो अपन डिविडेंड वाला पूरा पार्ट पढ़ा था। ऐसा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट सब्सिडरी जॉइंट वेंचर को आइदर मैंने कॉस्ट मॉडल के हिसाब से अकाउंट किया या फिर
109 के हिसाब से क्या, उसको मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेगा। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड इन एडिशन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाउएवर इन एक्सेप्शनल केसेस ओनली सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इफ एंटिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एग्जेम्प्ट फ्रॉम फॉलोइंग इक्विटी मेथड। सर ऐसे कोई एंटिटीज है विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? वो पता है वो बी था, वो उसके अल्टीमेट पेरेंट ने इंड एज के हिसाब से बनाया था, उसके शेयर होल्डर्स को कोई एतराज नहीं था, ना उसके कोई शेयर्स कोई सिक्योरिटीज लिस्ट पब्लिकली ट्रेडेड थे या इन प्रोसेस ऑफ बीइंग पब्लिकली ट्रेडेड थे, तो बी ने नहीं बनाया तो चलेगा, बट उसको एसएफएस फिर बनाना पड़ेगा। समटाइम्स तुमको ऐसे कंसोलिडेटेड से एग्जेम्पशन मिल सकता है लेकिन सेपरेट से नहीं, सेपरेट तो बनाना ही पड़ेगा। तो सर ठीक है, ये दो तो अपन ने इतने टाइम से पढ़ा, तो व्हाट इज इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन? ऐसा कोई भी एंटिटी ना जिसका कोई सब्सिडरी है, ना किसी उसका कोई एसोसिएट है, ना उसका कोई जॉइंट वेंचर है, कुछ नहीं है, तो वो एक ही चीज बनाएगा, बोलो इंडिविजुअल। ना उसके वो इंडिविजुअल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट कुछ दिखेगा है ही नहीं, तो कहां से दिखेगा? तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क सिर्फ इतना है, अगर मेरा कोई सब्सिडरी वगैरह वगैरह है तो मैं बनाएगा, जो मैं खुद का बनाएगा उसको मैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगेगा। अगर मेरा कोई सब्सिडी असोट नहीं है तो मैंने जो खुद का बनाया उसको इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वे ऑफ मेकिंग विल बी सेम ओनली। फर्क है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर वगैरह आएगा इधर कॉस्ट मॉडल और 109, और इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है ही नहीं तो कैसे आएगा? सबको समझा है, इसके लिए बहुत बार इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सेपरेट फाइनेंशियल इंटरचेंजेबल भी यूज होता है, मोर और लेस सिमिलर है, बट टेक्निकली फर्क समझा। पर्पस ऑफ इंड एस 27, इंड एस 27 क्या करेगा? तो फिर चलो अपने को समझाया तो सही, तीन अलग अलग चीज है। इंड एस 27 का नाम क्या है? सेपरेट फाइनेंस। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या पेक्यूलैरिटी था, क्या नया था? सेपरेट फाइनेंशियल खुद का ही है लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर सब्सिडी दिखता है आइदर कॉस्ट मॉडल और 109, वो कौन बताएगा? इंड एस 27। समझा मेनली क्या बात करने वाला है, वो उस पर ही बात किया पूरा इतना बड़ा इंडेक्स में। क्लियर? तो नीचे देखो, पर्पस ऑफ इंडेक्स 27 प्रिस्क्राइब्स अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर इन द एसएफएस ऑफ द पैरेंट और इन्वेस्टर। ब्रैकेट में लग करेगा बचपन में जो एएस 23 करता था, सॉरी एएस 13 करता था, पता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, वो अब बड़े होके एएस इंडेक्स 29 कर 20 बचपन एस 13 अभी इंड एस 27। प्रिपरेशन ऑफ एस एफ एस कैसे प्रिपेयर होगा? एज पर इंड एस 27 एस एफ एस विल इज डिफाइंड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय पैरेंट और इन्वेस्टर इन विच इन्वेस्टमेंट आर आइदर अकाउंटेड एट कॉस्ट और एज पर 10। वो एक ही सेंटेंस पे पूरा इंड एस बना, मैं बोला ना तुमको, ठीक है। SFS is not mandatory as per Ind AS 27, but it is mandatory as per the company. ये Ind AS तो actually है ना CFS को ज़्यादा importance देता है, तुमको पता है? But फिर भी लोगों को SFS क्यों बनाना पड़ता है? कंपनी का CFS में लिखा था CFS was mandatory। Ind AS importance CFS को देने वाला था, SFS में लिखा it is non mandatory, but फिर भी अपने इंडिया में कंपनीज को बनाना तो पड़ता ही है। क्यों? कंपनीज एक्ट को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, जो भी सेक्शन है उसका, अकाउंट्स जो भी है, बराबर। सेम अकाउंटिंग हैज टू बी फॉलोड इन फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। सर मतलब क्या है? कॉस्ट मॉडल किया तो सबके लिए कॉस्ट, 109 किया तो सबके लिए 109, तो उसको एक्सप्लेन किया। एग्जाम्पल, सब्सिडरी का अलग पॉलिसी, एसोसिएट का अलग पॉलिसी चलेगा, बट मल्टीपल सब्सिडरीज के लिए अलग पॉलिसी नहीं चलेगा। समझा? खुद लिखा हुआ। मैं सब्सिडरीज के लिए सोचा कॉस्ट मॉडल एंड देन एसोसिएट के लिए सोचा मैं 109 वाला मॉडल, चलेगा। लेकिन मेरे चार सब्सिडरी है, एक के लिए सोचा कॉस्ट और बाकी के लिए बन, तो नहीं, सारे सब्सिडरीज सेम वे में जाना, कैटेगरी वाइज सेम। क्लियर है? ये तो उसके जैसे ही हो गया रे, अपना 16 में अपन पता है कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल कहते हैं, और क्लास ऑफ एसेट सेम होना चाहिए, और अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग हो सकता है, इनसाइड अ क्लास सेम होना चाहिए। क्लियर है? ऐसा ही कुछ हो गया, ठीक है। इफ कॉस्ट ऑप्शन इज फॉलोड देन
IndAS 36 भी फ्री में अप्लाई आएगा क्या? IndAS 36, अरे कॉस्ट किया तो फिर उसका इम्पेयरमेंट हो सकता है। ये फेयर वैल्यू पे किया तो ऑटोमेटिकली फेयर वैल्यू पे होता है, तो इम्पेयरमेंट का टेंशन लेने का जरूरत नहीं होता, ऑटो इम्पेयर हो जाता है। क्लियर है? बट अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो आपको IndAS 36, समझो मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा था और मैंने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो सत्यम था, कॉस्ट में तो हाई अमाउंट पे दिखेगा लेकिन कंपनी का तो वाट लगा, तो मेरे को IndAS 36 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा, कोई रिकवरेबल अमाउंट ये वो। फिर 105 का एप्लीकेबिलिटी, एसेट हेल्ड फॉर, 105 का नाम तो पता है ना, बोलो ना, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, वापस बोलो, करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वो बाद में पढ़ते हैं, बट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है। लेट अस से, मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट है वो मैं 27 में या तो कॉस्ट मॉडल के हिसाब से अकाउंट कर रहा है, या फिर या तो अब वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट होगा, सब्सिडी होगा, या जॉइंट वेंचर, बस हाँ तीनों में से एक ही होगा, और अभी मैंने उसको बेचने के लिए निकाला है, हेल्ड फॉर कैन आई सेल इट, भाई मेरा इन्वेस्टमेंट है बेच सकता है। तो कॉस्ट मॉडल फॉलो किया रहेगा तो क्या, और 109 करेगा तो क्या? अगर आप कॉस्ट मॉडल करेगा ना फ्रॉम दैट डेट मतलब क्या, जिस दिन से 105 का कंडीशन फुलफिल हो जाता है कि भाई हेल्ड फॉर सेल है, फ्रॉम दैट डेट मेजर करेंगे एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस। ये मेजरमेंट 105 का है मतलब, ये 105 में ऐसे मेजर होता है, लोअर ऑफ अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, बिकॉज अपन ने उसको कॉस्ट मॉडल पे रखा था और कॉस्ट मॉडल के बाद अभी हेल्ड फॉर सेल, नॉर्मली पीपी कॉस्ट मॉडल में रहता है, किस कौन से इंडेक्स में रहता है पीपी कॉस्ट मॉडल में 16, बट जब वो हेल्ड फॉर सेल करेगा तो वहां से निकाल के किधर लेके आता है 105, तो उसके साथ क्या होता है, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। तो अगर तुम्हारा एक इन्वेस्टमेंट है जिसको कॉस्ट मॉडल किया तो वैसे ही ट्रीटमेंट देने का, जब तक वो कॉस्ट मॉडल में ठीक है, लेकिन जब से 105 में चला जाएगा तो लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट चलिए तो ठीक है सर, लेकिन वो 109 वाला इन्वेस्टमेंट रहेगा तो, 109 वाला इन्वेस्टमेंट रहेगा तो 109 में ही कंटिन्यू होगा, बिकॉज 109 इज सेल्फ कंटेंट स्टैंडर्ड, उधर उसका खुद का इम्पेयरमेंट सब सब अंदर ही है। क्लियर है? उसको कोई और इंडेक्स में लेके जाके कोई मतलब, जो उधर 109 में लिखा रहेगा कंटिन्यू, FVTPNL रहेगा तो जो भी रहेगा कंटिन्यू करेगा, ठीक है। वेंचर कैपिटल, एज पर IndAS 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर हेल्ड बाय एन एंटिटी सच एज वेंचर कैपिटल, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, देन सच एंटिटी में इलेक्ट टू मेजर द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर इन CFS एट फेयर वैल्यू थ्रू PNL इंस्टेड ऑफ इक्विटी मेथड, देन इट शुड अकाउंट दोज इन्वेस्टमेंट इन द सेम वे इन द SFS। 28 टॉक्स अबाउट CFS लेवल, 27 टॉक्स अबाउट द SFS लेवल, वी आर इन 27, इन 27 लिखा है कि अगर तुम 28 के हिसाब से थोड़े बहुत केसेस में FVTPNL कर रहा है, इक्विटी मेथड नहीं फॉलो कर रहा है, तुम कंसोलिडेटेड लेवल पे FVTPNL कर रहा है, इक्विटी मेथड नहीं कर रहा है, तो तुम SFS लेवल पे भी कंपलसरी FVTPL ही करेगा। एक मिनट, 28 है ना, 28 पढ़ेंगे रोडमैप IndAS 28, उसमें ना ऑप्शन है, चाहिए तो तुम उसको इक्विटी मेथड कर सकता है या फिर चाहिए तो तुम FVTPNL कर सकता है, किसका स्पेशल है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर हेल्ड बाय एंटिटी सच एज वेंचर कैपिटल म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह वगैरह। अगर उन्होंने 28 में ऑप्शन लिया है तो कौन सा ऑप्शन लिया है, FVTPNL का, तो 27 में कंपलसरी FVTPNL, फिर 27 में कॉस्ट मॉडल फॉलो नहीं कर सकता, इफ दिस देन दिस, ये समझा गया? इफ तुमने 28 में FVTPNL का ऑप्शन लिया है कंसोलिडेट लेवल पे, तो कंपलसरी फिर तुमको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे, SFS के लेवल पे वो FVTPNL ही करना पड़ेगा, ये वरना सेपरेट में अपने ऑप्शन था ना, क्या ऑप्शन था, कॉस्ट या फिर 109, ये क्लियर है? बट आई विल नॉट बी एबल टू फॉलो दैट नाउ, कंपलसरी 109 सर, क्यों ऐसा? वो वेंचर कैपिटलिस्ट म्यूचुअल फंड कितने कंपनीज में होल्ड करता है,
इनफैक्ट तुमने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया रहेगा ना, तो हर पर्टिकुलर टाइम में हाफ ईयर वगैरह उनको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, अपने मेल पे आता है कि उन्होंने कितना कितना किधर किधर इन्वेस्ट किया, होल्डिंग क्या है। दे हैव अ गुड परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इन मेनी कंपनीज, म्यूचुअल फंड अपने बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है, तो म्यूचुअल फंड के केस में उनको ऑप्शन देकर रखा कि तू यार इक्विटी मेथड नहीं किया तो भी चलेगा, तू क्या किया तो चलेगा एफईटी, बिकॉज उसने हेल्ड क्यों करके रखा है, कभी वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो सेल करेगा, रिटर्न जनरेट करेगा अपने इन्वेस्टर के लिए। तो अगर तुमने सीएफएस लेवल पे ही उसको एफईटी पीएनएल किया, तो हाउ यू कैन डू कॉस्ट मॉडल एट एसएफएस लेवल, बोलते फिर एसएफएस लेवल पे तुमको कौन सा करना पड़ेगा, कंपल्सरी एफईटी पीएनएल ही करना पड़ेगा, क्लियर है। बट एक बात बोलो, सीएफएस लेवल पे इक्विटी मेथड हुआ रहेगा तो एसएफएस लेवल पे या तो पी एंड एल सॉरी या तो कॉस्ट मॉडल या फिर 109 कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर मैं एसएफएस, फिर एसएफएस लेवल पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? अगर सीएफएस में इक्विटी मेथड है तो एसएफएस में फिर ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, कॉस्ट और 109 ऑप्शन है। अगर इफ मतलब ये सेम वे में एक कॉन्सेप्ट आता भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी के लिए, जैसे एग्जेम्पशन था म्यूचुअल फंड के लिए, वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए, वैसे नेक्स्ट एग्जेम्पशन किसके लिए, इन्वेस्टमेंट एंटिटी के लिए। लेट अस से पैरेंट एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, वो बहुत जगह पे इन्वेस्ट करता रहता है, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है कंट्रोल करो, ये आया था इन्वेस्टमेंट एंटिटी, इनफैक्ट एग्जेम्प्ट होता है कंसोलिडेट करने से, तो बराबर। और इन्वेस्टमेंट एंटिटी अगर एग्जेम्प्ट है कंसोलिडेट से, तो उसको एफईटी पीएनएल करना होता है सीएफएस लेवल पे भी। अ पैरेंट दैट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू मेजर द सब्सिडियरी एट एफईटीपीएल इन सीएफएस आल्सो। इमेजिन करो सीएफएस में इन्वेस्टमेंट को एफईटीपीएल किया है, तो बोलो क्या करेगा, एसएफएस में कंपलसरी, ये समझ रहा है, इफ और कंपलसरी, इफ सीएफएस में एफईटीपीएल है तो कंपलसरी एसएफएस में एफईटीपीएल, देन सच इन्वेस्टमेंट शुड बी अकाउंटेड एज इन द सेम वे इन द एसएफएस। मतलब एग्जांपल दिया देखो, इधर एक ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसके बी सी डी ई जो है वो टाइम पास वाले इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट को मेजर करता रहेगा एट फेयर वैल्यू टू पी एंड एल इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैपिटल गेन या डिविडेंड के लिए हो, उसको कोई कंट्रोल वंट्रोल नहीं करना है, तो उसको एसएफएस में भी उसको फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट उसने किया है जो उसको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विस देता है, मतलब लिटरली उसका सब्सिडरी है, वो टाइम पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन दैट केस उसको कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करेगा ना, अगर उस सीएफएस लेवल पे कंसोलिडेट होगा तो उसको एसएफएस लेवल पे ऑप्शन मिलेगा, क्या ऑप्शन मिलेगा, इधर कॉस्ट और 109, ये सेम आ गया, ये क्लियर। तो फर्क क्या था बताया, ऊपर वाला एसोसिएट जॉइंट वेंचर के लिए था, अगर 28 में एसोसिएट जॉइंट वेंचर के साथ क्या किया तो भी बता, और ये जो नीचे वाला है सब्सिडरी के लिए था। इफ यू इन्वेस्ट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर टाइम पास वाला तो अलग होता है, इफ यू इन्वेस्ट इन सब्सिडरी टाइम पास वाला तो 110 के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी काउंट होता है, तो फर्क इतना ही है ये पैराग्राफ में, वो वेंचर कैपिटल वाला जो पैराग्राफ है वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर है, और ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है दैट इज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, क्लियर। नेक्स्ट
इन्वेस्टमेंट सॉरी इन्वेस्टमेंट एंटिटी टू नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी एंड वाइस वर्सा, एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है वो नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी में कन्वर्ट हुआ, या फिर एक नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी इन्वेस्टमेंट एंटिटी में कन्वर्ट हुआ, तो अब चेंज होगा आगे? जब तक वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी था वो कंसोलिडेटेड में भी एफईटीपीएल करता था और वो स्टैंड अलोन में भी सेपरेट में भी एफईटीपीएनएल ही करता था, जब तक वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी था। और एक नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी होता ना, तो नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या कर सकता है? तो वो अपने कंसोलिडेटेड में तो कंसोलिडेट करता है एज पर 110, और इंडिविजुअल में कॉस्ट और 109, वो उसको ऑप्शन दिया गया रहता है। क्लियर? अब वो कन्वर्ट हो रहा है तो क्या करना है? चलो ये क्विकली एक बार रीड करो, नीचे उसका एक एग्जाम्पल लो ऐसा दे के रखा हुआ क्या करने का, और कंप्लीट करो। चलो ए और बी क्विकली। नॉन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हुआ, एसएफएस लेवल पे क्या करेगा? एसएफएस लेवल पे उसके इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू टू पीएनएल में लिखेगा। पहले शायद कॉस्ट वगैरह भी रहता रहेगा, जो भी रहेगा डिफरेंस अगर आएगा, इफ एनी, तो किधर जाएगा वो? इमेजिन पहले वो नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी था, तो एसएफएस में या तो कॉस्ट मॉडल या फिर 109 करता रहेगा। कॉस्ट मॉडल करता रहेगा तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर दिखता रहेगा। अब वो कन्वर्ट हो गया इन्वेस्टमेंट एंटिटी में, तो उसको बोला तो उसको एक काम कर, फेयर वैल्यू पे ला। अभी कॉस्ट पे दिखने वाला इन्वेस्टमेंट अगर वो फेयर वैल्यू पे लेके आएगा तो डिफरेंसेस आ सकता है, और वो फिर फेयर वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, फिर वो आगे अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी एफईटीपीएल ही करेगा उसको एसएफएस पे। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एंटिटी नॉन इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट एंटिटी नॉन इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया, डायग्राम ऐसा है, ठीक है। तो एफईटीपीएनएल पे दिखता रहेगा, जो फेयर वैल्यू उस दिन पे दिखता रहेगा वो आगे के लिए डीम्ड कॉस्ट हो जाएगा। अगर वो कॉस्ट मॉडल पे रहेगा तो या तो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकता है, तो फिर 109 जब वो क्या था, सॉरी जब वो अभी नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो रहा है, तो अगर उसको कॉस्ट मॉडल फॉलो करने का है तो जो भी तुम्हारा फेयर वैल्यू उस दिन का था वो डीम्ड कॉस्ट और आगे कंटिन्यू होगा कॉस्ट मॉडल में। और तुमको फेयर वैल्यू मॉडल ही फॉलो करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी तुम फेयर वैल्यू करते आया था, आगे भी तुम 109 करेगा तो फेयर वैल्यू ही कंटिन्यू होगा, आगे भी 109 कंटिन्यू होगा, तो जो भी डिफरेंसेस आगे भी पीएनएल में जाता रहेगा। कंक्लूजन है, तुम इन्वेस्टमेंट से अगर तुम नॉन इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो, तुमको पहले खुद को पूछना है आगे जाके अपन कॉस्ट मॉडल करेगा या फिर फेयर वैल्यू पे। अगर तुम आगे जाके कॉस्ट करने वाले, तो जिस दिन ये हुआ ना उस दिन का फेयर वैल्यू डीम्ड कॉस्ट फॉर दैट, आगे वो डीम्ड कॉस्ट करके रहेगा, फिर फ्लक्चुएशंस नहीं आएगा उसमें। लेकिन तुम आगे जाके एफईटीपीएनएल कर रहे हो तो ठीक है, अभी भी फेयर वैल्यू पे लिखो, वैसे भी पहले से फेयर वैल्यू पे लिख रहा था, आगे भी फेयर वैल्यू पे ही लिखेगा, देयर विल बी नो चेंज ओनली, पहले भी फेयर वैल्यू आगे भी फेयर वैल्यू, डन विद दैट पार्ट। ये समझा? ये वाला टेबल मैंने सिखा दिया है, उसमें खाली एक था अनलेस इमीडिएट रिकवरी दिख रहा है। अनलेस इमीडिएट रिकवरी का मैं मतलब बता देता हूँ, वो शायद मैंने कल छोड़ा था उतना सा पार्ट, बाकी सब सिखा दिया था इसमें से। 27 में कॉस्ट मॉडल या फिर 109, कॉस्ट क्या रहेगा तो डिविडेंड पीएनएल में आता है, 109 क्या रहेगा तो भी डिविडेंड पीएनएल में आता है, अगर एफईटीपीएल रहता तो एफईटी ओसीआई रहता तो लेस फ्रॉम प्री एंड प्री वाला लेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होगा और पोस्ट वाला पीएनएल में जाएगा, याद आता है? एग्जाम में आज की तारीख में क्या करने का था? एफईटी मतलब पीएनएल में डालना है, या तो तुम उसको अज्यूम करो कॉस्ट में बोल के, ठीक है। लेकिन उधर है ना अनलेस इमीडिएट रिकवरी, ये पॉइंट मेरे को तुमको खाली समझाना है, ध्यान से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं है मेरे पास उससे। लेट अस से एक शेयर का प्राइस चल रहा है नॉर्मली, एक पर्टिकुलर लेवल पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस होते रहता है। एक दिन पे डिक्लेयर हुआ कि डिविडेंड पे होगा कब, जिसके पास रिकॉर्ड डेट पे शेयर होगा उसको, तो उसके बाद प्राइस बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया रिकॉर्ड डेट तक। रिकॉर्ड डेट आया, रिकॉर्ड डेट पे जिसके पास शेयर था उसको
डिविडेंड मिल गया, और रिकॉर्ड डेट के बाद वापस रेगुलर लेवल्स पे आके कंटिन्यू हो रहा है। ये बल्ज क्यों आया समझा? देयर विल बी सर्टेन अपॉर्चुनिटीज, पीपल रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले खरीदेंगे। क्यों? बट मार्केट भी स्मार्ट है, तो कैसे प्राइस किया, कम डिविडेंड बोलता है, जो इंक्रीज प्राइस है तो क्या बोलता है, कम डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड। तो अपन ने समझो नॉर्मली शेयर का जो लेवल चल रहा था 100 के आसपास चल रहा था, ऐलान हुआ कि 10 रुपये का डिविडेंड आने वाला है, वो 110 के लेवल तक जा रहा है, अपन ने 109 110 में खरीदा, अपने को 10 रुपया डिविडेंड मिल गया, वापस हो आगे जाके 100 के लेवल्स पे चल रहा। मतलब बेसिकली अपन ने खरीदा 110 में, 10 रुपया डिविडेंड मिला, तुरंत रिकवर हुआ। मतलब आज खरीदा, कल डिविडेंड मिला, और परसों से रेगुलर शेयर का प्राइस हो गया, ऐसा कुछ हुआ, इमीडिएट रिकवरी वाला हुआ। इमीडिएट मतलब कितना इमीडिएट समझ रहे हैं, जस्ट बिफोर द रिकॉर्ड डेट यू बाय, जस्ट बिफोर द रिकॉर्ड डेट यू बाय, तो वाला। तो इन दैट केस वो डिविडेंड एक्चुअली फिर है ना इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दो, वो इन्वेस्टमेंट आइडियली 100 के आसपास का ही था। ये क्लियर है? दैट्स द ओनली एक्सेप्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इमीडिएट? मैंने बोला जस्ट बिफोर द रिकॉर्ड डेट तुमने बाय किया है एंड डिविडेंड मिला है, जस्ट बिफोर द रिकॉर्ड डेट तुमने बाय किया। तो ये तो अभी वो वाला माइनस नहीं होता है, रिकॉर्ड डेट सितंबर वगैरह में आ रहा है, मैंने अप्रैल से खरीद के रखा है, वो सितंबर में जब रिकॉर्ड डेट आएगा डिविडेंड, वो लास्ट ईयर का डिविडेंड था बोल के, मैं ऐसा कुछ अभी माइनस नहीं होता, वो माइनस भी नहीं किया बंदा, अभी खाली वो माइनस होता है, आज खरीदा कल डिविडेंड मिला, तो तुमको समझ रहा है, वैसा वाला ही खाली माइनस होता है, वरना माइनस पूरा पूरा मैं AS13 फाड़ के फेंक देने में, पूरा ना AS13 का पूरा लॉजिक अलग था, उधर तो पूरा वो देखता था प्री पोस्ट वगैरह मेहनत करता था, इधर ऐसा कुछ मेहनत नहीं करने, खाली इमीडिएट वाला रहेगा तो तुरंत माइनस करने का, इमीडिएट वाला नहीं रहेगा तो सीधा P&L में डाल देने का। फाइन ना? क्लियर? ठीक है, ये तुमको मैंने सिर्फ इतने लिए समझा बिकॉज वो लिखा हुआ है वर्ड इमीडिएट रिकवरी, वरना ठीक है वो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है। जाओ आगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, अभी थोड़ा थियोरी पार्ट भी तो है कंसो में, थियोरी पार्ट कंसो का जो इलस्ट्रेशन दे के रखा है वो मॉड्यूल का, वो आंसर करने के लिए ये पार्ट है। अगर ये पार्ट रीड करेगा तो जो वो आगे के यूनिट्स के क्वेश्चन आंसर्स है वो सब तुम सॉल्व कर पाओगे। इनफैक्ट इतना थियरी अपन ने पढ़ लिया तो एंटायर ऑल द सम्स ऑफ मॉड्यूल कैन बी सॉल्व आफ्टर दिस। क्लियर है? जो प्रैक्टिकल थे सॉल्विंग थे तो अपन ने वो तो सॉल्व कर ही दिए, जनरल एंट्रेंस पास भी कर दिया, ये वाला पार्ट इज फॉर योर थियरी वाला पार्ट, दो तीन पेज जो भी है। कंट्रोल है कि नहीं उसको आइडेंटिफाई करने के 7 स्टेप्स है, ये तुम लोग खुद से रीड करेगा। कंट्रोल रहेगा तो कंसोलिडेट होएगा, कंट्रोल नहीं रहेगा तो कंसोलिडेट, कंट्रोल कब है नहीं, उसके 7 स्टेप्स इजी मैनर में उधर देख रखे हैं, वंस रीड करना है, इलस्ट्रेशन नंबर्स देख रखे हैं, पेज नंबर में मत जाना, और रिस्पेक्टिव चैप्टर के जिस चैप्टर में सिखाया गया रहेगा कंट्रोल है कि नहीं वो चेक करना। इनफैक्ट तुम सब इलस्ट्रेशन कर सकते हो उसके बाद, ठीक है? राइट कंट्रोल आता है राइट से, कैसे टाइप के राइट्स होते हो, राइट्स का क्या करने का, कौन से राइट्स कंसिडर्ड होते हैं, कौन से राइट्स कंसिडर्ड नहीं होते, देर आर सर्टेन सब्सटेंसिव राइट्स, देर आर सर्टेन प्रोटेक्टिव राइट्स, सब्सटेंसिव राइट्स आर कंसिडर्ड, प्रोटेक्टिव राइट्स आर नॉट कंसिडर्ड, लिस्ट है सब। इन्वेस्टमेंट एंटिटी का CFS के बारे में बात किया, बोलो इन लोग कंसोलिडेट करेगा क्या इन्वेस्टमेंट एंटिटी? इन्वेस्टमेंट एंटिटी इज अ एंटिटी दैट ओबटेन्स अ फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड फॉर प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज एंड हुज बिजनेस इज टू इन्वेस्ट सोलली फॉर द रिटर्न्स ऑन द कैपिटल एप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट इनकम और बोथ, मेजर्स एंड इवैल्यूएट्स इन्वेस्टमेंट ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। एग्जाम्पल, अपन को पैसा इन्वेस्ट करने का था, तुमको भी पैसा इन्वेस्ट करने का था, मेरे को भी, मैं बोला मेरे को थोड़ा FM आता है, काम करो पुल बनाते हैं, सब लोग पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करो, आई विल बिकम एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, आई विल इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ एंड तुमको कमा के दूंगा, उसके लिए मैं अपना कुछ चार्जेस वगैरह ले सकता हूँ। ये क्लियर है? देर आर पीपल जैसे तुमको बोलता है इतना पैसा तो हम तुम्हारे बिहाफ पे खेलेंगे शेयर मार्केट में, तुमको कमा के देंगे, हमारा इतना फीस लेंगे, तुम्हारे डीमैट में खेलेंगे वो,
समझ रहा तुमको? सो इन्वेस्टमेंट एंटिटी बेसिकली करता क्या है, तो ऑब्टेन करता है फंड फॉर प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। ये थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का हो गया। और यहाँ पे उन लोग क्या करता है, क्यों किसमें क्यों इन्वेस्ट करता है, आइदर फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट इनकम और बोथ, बट नॉट फॉर कंट्रोल। ये कंट्रोल के लिए इन्वेस्ट किया था, ये तो सब्सिडरी वगैरह, ये तो खेलने के लिए, टाइम पास के लिए, नॉर्मल रिटर्न जो नॉर्मल डिविडेंड होता है, कैपिटल गेन होता है वो वाला। एंड वो परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट करता है फेयर वैल्यू बेसिस पे, वो ये नहीं दिखता कितना सेल्स है, डेटाज है, तेरा मार्केट में रेट क्या चल रहा है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस। ये बहुत कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ गया ना तो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ये नहीं देखता उसका सेल्स खर्चा कम हुआ ज़्यादा हुआ। मार्केट तो कितने अलग अलग सेंटिमेंट्स पे रिएक्ट करता है, थोड़ी ना इसका मतलब है कि कंपनी ने अच्छा ही किया रहेगा। ये क्लियर है? इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो मार्केट चेंज होता है, इसका मतलब थोड़ी ना कंपनी का सेल बढ़ गया है। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू से मतलब है कंपनी इंटरनली सेल परचेज एक्सपेंस क्या करता है उससे कोई मतलब। फर्दर इन्वेस्टमेंट एंटिटी में ऑल्सो पार्टिसिपेट इन रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट सर्विसेज, एडवाइजरी टू इन्वेस्टी, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट समटाइम्स, गारंटी, थोड़ा बहुत साइड रोल में मदद भी करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लेट अस से मैं एक स्टार्टअप है, मेरे को पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट एंटिटी आके मेरे में इन्वेस्ट करता है, उसको ह्यूज पोटेंशियल दिखता है कि फेयर वैल्यू बहुत बढ़ने का चांस है, मेनली ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आज के तारीख में आके वो बहुत पैसा बढ़ जाता है फेयर वैल्यू के टर्म्स में। मानो कंपनी लॉस मेकिंग भी हो, फेयर वैल्यू तो बहुत बढ़ जाता है। क्लियर है? तो इन दैट केस एज अ स्टार्टअप वो मेरे को ना एडवाइजरी सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज तो बताया करते, नॉर्मली बिजनेस ग्रो करने के लिए ऐसा ऐसा करता है, तू भी ऐसा कर, थोड़ा अपने को समझाएगा कि अरे उसने पैसा डाला है, उसको उसका पैसा ग्रो तो करवाना है, तो अपने को थोड़ा समझा बुझा के बोले ऐसा काम कर तो ग्रो होने का जाना, उसको मालूम है कैसा ग्रो करवाने का, और अपने पास आइडिया होता है, टेक्नोलॉजी होता है, वो अपने में इन्वेस्ट करता है। क्लियर है? पक्का? सो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी दिया, लेकिन है ना खतरनाक वे में दिया, बोला ये सब कैरेक्टरिस्टिक है तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, बट ये नहीं हुआ तो भी इसका मतलब नहीं कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं, फिर भी हो सकता है, ठीक है? वो सेल्फ रीड है, देखो लिखा है इफ द कैरेक्टरिस्टिक एब्सेंट देन इट डज नॉट डिस्क्वालीफाई, फिर भी हो सकता है, और हर पॉइंट सब्जेक्टिव दिया। पहला बोला मोर देन वन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो बोला नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मोर देन वन इन्वेस्टर होना चाहिए, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, इन्वेस्टर्स नॉट रिलेटेड होने चाहिए, रिलेटेड रहेगा तो भी, क्या क्या बकवास। ठीक है आगे बढ़ू मैं। ओनरशिप इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी होना चाहिए, बट समटाइम्स वो डेट कन्वर्टेबल वगैरह भी रहता है। ठीक, हर चीज को उसने खुद ही काउंटर आर्ग्यू किया, अपन अकाउंटिंग में चले जाते हैं। ये किसके पॉइंट्स पढ़ रहे थे, क्या अपने को क्या समझा था आज तक? इन्वेस्टमेंट एंटिटी मतलब वो कंट्रोल वंट्रोल करना है, उसको कोई एसेट लाइबिलिटी टेकओवर करके एनसीआई दिखाना है उसको, तो फेयर वैल्यू से मतलब है इन्वेस्टमेंट एंटिटी शैल नॉट कंसोलिडेट द सब्सिडियरी बट मेजर इट्स इन्वेस्टमेंट एट एफपीटीपीएल। ये एक अच्छा इम्पोर्टेंट लाइन, कुछ मिला काम का, ये क्लियर है? देयर टू एक्सेप्शंस, इन्वेस्टमेंट एंटिटी शैल कंसोलिडेट द सब्सिडियरी व्हिच प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंटिटीज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। एक मिनट, मेरे को नॉर्मल इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, मैं नॉर्मल, तो मेरे सब्सिडीज को कंसोलिडेट नहीं करना, लेकिन ऐसा कोई सब्सिडरी है जो मुझे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है, इसके लिए मैंने उसको सब्सिडी बनाया। एग्जांपल, मैं एक वेंचर कैपिटल, मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो मेरे पास आदमी लोग होते हैं जो देखते हैं कि इधर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंगली दे डिसाइड एंड वी अर्न। तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वो मेरे सब्सिडरी होते हैं, उसको मैं कंसोलिडेट नहीं कर सकता, बट मुझे पता चला ऐसा दूसरा भी एक कंपनी है जो मेरे जैसा ही काम करता है, मस्त अच्छे स्किल्ड मैन पावर है, अच्छा सा चुन चुन के हीरा निकालता है, आई टेक ओवर दैट कंपनी। नाउ आई हैव टेकन ओवर दैट कंपनी फॉर जस्ट माय इन्वेस्टमेंट पर्पस, नो, वो तो आई हैव टेकन दैट कंपनी फॉर द कंट्रोल, वो मेरे बिजनेस में मदद करेगा अभी, वो मेरे को डिसाइड करने में मदद करेगा किधर इन्वेस्ट करूँगी नहीं वगैरह वगैरह, तुमको समझ रहा है? तो
इन दैट केस वो जो कंपनी में टेक ओवर किया उसको तो मेरे को कंसोलिडेट करना पड़ेगा फिर। तो अभी पढ़ो, इन्वेस्टमेंट एंटिटी शैल कंसोलिडेट द सब्सिडरी व्हिच प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंटिटीज इन्वेस्टमेंट, मेरे जो इन्वेस्टमेंट एक्ट है उसके रिलेटेड सर्विसेज वो भी वही प्रोवाइड कर रहा है। ये मतलब वो मेरे लाइन ऑफ बिजनेस में ही है और मैंने उसको टेक ओवर किया, वो तो प्योर मैंने कंट्रोल के ले लिया रहेगा। क्लियर है? सो दैट उसकी एक्सपर्टीज मेरे एक्सपर्टीज मर्ज हो। बाकी मैंने जगह पे इन्वेस्ट किया रहेगा ना, वो प्योर खाली इन्वेस्टमेंट होगा, मेरे को कोई उसमें कंट्रोल लेना देना नहीं होगा, तो बराबर। लेकिन मैंने कोई और कंपनी में इन्वेस्ट किया जो मेरे जैसा ही काम कर रहा है, तो मैंने तो सोचा रहेगा सिनर्जी बेनिफिट्स आए, मेरे को आईटी इंडस्ट्री का नॉलेज है, उसको फिनेंस का, मिलके हम लोग अच्छा कर पाएगा। क्लियर है? सेकंड एक्सेप्शन, पेरेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंटिटी व्हिच इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, नॉट को देखो ना किस पे जाना। अ पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी व्हिच इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एंटिटी, एक मिनट ये थोड़ा उल्टा है, एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है उसका पेरेंट है, वो पेरेंट इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है, तो इधर नॉट वर्ड डालो ना। एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है उसका एक पेरेंट है, बट वो पेरेंट इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है, तो बोलो पेरेंट कंसोलिडेट करेगा क्यों? वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है तो उसको तो अपने सब्सिडीज को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। क्या उसका सब्सिडी आगे कंसोलिडेट करेगा? नहीं। क्यों? वो क्या है? वो इन्वेस्टमेंट तो उसने जिधर इन्वेस्ट किया रहेगा उसको कंसोलिडेट करेगा नहीं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है ही विल नॉट कंसोलिडेट इट्स सब्सिडरी, बट पेरेंट है ना, पेरेंट वो उसको कंसोलिडेट करेगा। क्लियर है? तो एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है उसका पेरेंट है, उसका पेरेंट नॉट एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, तो पेरेंट उसको कंसोलिडेट करेगा, बट एज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी आया है तो मल्टीपल सब्सिडी, मैं मेरे सब्सिडीज को कंसोलिडेट। क्लियर है? तो अभी है ना, मेरे सब्सिडीज के एसेट्स मेरे तक ही नहीं आए, तो मेरे पेरेंट तक नहीं जाएंगे, पेरेंट में मेरे एसेट्स जाएंगे, तो समझा क्या? तो एक काम करना, पेरेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंटिटी विच इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी इटसेल्फ शैल कंसोलिडेट ऑल द एंटिटीज दैट इट कंट्रोल्स, वो कंसोलिडेट करेगा। क्लियर है? इंक्लूडिंग दोस्त कंट्रोल बाय एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, वो भी उसमें आ सकता है बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट बोल के आ जाएगा, फाइन इनफ, बट इन्वेस्टमेंट एंटिटी कंसोलिडेट नहीं करेगा। कौन नहीं कंसोलिडेट करेगा? अब एक थोड़ा सा इसमें ऐसा डाउट हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी ने जो आगे इन्वेस्ट किया है उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फिर पेरेंट में कैसे आएंगे? बिकॉज वो किधर नहीं आए, अगर ए आगे इन्वेस्ट किया तो ए तक तो नहीं आया वो एसेट लाइबिलिटी, अब पी पी कंसोलिडेट कर सकता है, तो पी आगे वाले को कैसे कंसोलिडेट करें? तो व्हाट इट कैन डू इज डायरेक्टली आगे वाले के एसेट लाइबिलिटी किसके बुक्स में आ सकता है? पी और ए बीच में कुछ बनाए नहीं, ये वो वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, पता है एक अपन ने किया था वो बीच में वाला जो बी होता है वो कंसोलिडेट अल्टीमेट कंसोलिडेट करता है, वैसा कुछ करके कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन ऐसा है, पेरेंट जो नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी वो कंसोलिडेट करेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट एंटिटी कंसोलिडेट, और पेरेंट जब कंसोलिडेट करेगा सबको कंसोलिडेट करेगा, तो नीचे वाला एसेट लायबिलिटी अभी वाया इन्वेस्टमेंट एंटिटी तो नहीं आ पाएगा, बट वो डायरेक्ट आ सकता है, एज अ ग्रुप कंसिडर हो सकता है, एज अ चेन होल्डिंग किसी ने बोला वैसा हो सकता है। ये क्लियर है? ठीक सुना वीडियो चेन होल्डिंग का, समझ गया कितना सुना? एक दो तीन हो गया समझ के? चलो फिर 1-1-1 जॉइंट अरेंजमेंट, ये मतलब ये थियरी था, तुमको समझा क्या? 1-1-1 जॉइंट अरेंजमेंट है ना, उसका एक ही काम है, सुनो, ये अब सिर्फ इतना बताएगा कि जॉइंट ऑपरेशन है कि जॉइंट जॉइंट है, अगर जॉइंट ऑपरेशन है ना तो मेरा एसेट्स लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस मेरे बुक में, तुम्हारा एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस तुम्हारे बुक में, कोई नया थर्ड एंटिटी बोल के होएगा नहीं जिसको अपनों कंसोलिडेट करा। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ए और बी ने सिर्फ एक जॉइंट ऑपरेशन किया, ऑडिट साथ में कंडक्ट किया,
प्रोजेक्ट साथ में कंडक्ट करने में हम खुद के लैपटॉप यूज किए रहेंगे, खुद के आर्टिकल्स को यूज किया रहे, खुद खर्चा इनकर किया रहे, कमाया रहेगा, शेयर किया रहेगा, ये जॉइंट कर सकते हैं ऑडिट, जॉइंट वेंचर हो गया, जॉइंट ऑपरेशन है। मैं एज अ सी ए, मेरा एसेट्स लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस मेरे बुक में दिखाएगा, वो अपने बुक में दिखाएगा, कुछ रिसीवेबल पेबल देगा तो वो दिखाएगा, खत्म हो गया। तो क्लियर है? कोई इक्विटी मेथड का कंसो रिस्टेट कैसा कुछ नहीं हो सकता। मैं मेरा लैपटॉप मेरे बुक में दिखाएगा, वो उसका कैसा हम कंसो कंसो करेगा? तो तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा है? सो ये इंडिया सिर्फ इतना मदद करने वाला है, हाउ हाउ विल डिवाइड देम। क्लियर है? अगर जॉइंट ऑपरेशन रहेगा तो रेगुलर जो भी इंडेक्स रहेगा वही रहेगा। रेगुलर इंडेक्स मतलब मेरा लैपटॉप मेरे बुक में आता है इंडेक्स 16, जो भी अदर इंडेक्स हो। और लेकिन जॉइंट वेंचर निकला तो 28 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर को रिस्टेट करना पड़ता है, कौन से मेथड के हिसाब से? इक्विटी। मतलब जॉइंट वेंचर होने के लिए आइडियली अलग एक एंटिटी होना चाहिए। मैं और तुम मिलकर धंधा करना चाहते हो, अपन दोनों ने मिलकर एक नया कंपनी बनाया, मैं ए तुम भी, अपन ने मिलकर ए बी लिमिटेड बनाया, वो ए बी लिमिटेड में एसेट्स वगैरह खरीदा। अब वो ए बी लिमिटेड का मेरे बुक में कैसे आएगा? तो मेरे बुक में आएगा इन्वेस्टमेंट इन ए बी, तो इन्वेस्टमेंट इन ए बी को मैं रिस्टेट करेगा एज पर विच मेथड? इक्विटी मेथड, इंडेस। क्लियर है? तो उसके बारे में डिटेल देकर रखा है। बट ये जॉइंट ऑपरेशन हो या जॉइंट वेंचर हो, जो भी हो, पहले तो जॉइंट कंट्रोल तो होना ही चाहिए। जॉइंट कंट्रोल रहेगा तो ही फिर अपन बोल सकते हैं वो जॉइंट ऑपरेशन है या फिर जॉइंट वेंचर। जॉइंट ऑपरेशन है इंडिविजुअल बुक्स में, जॉइंट वेंचर है वो अलग एंटिटी है, उसको अपन रिस्टेट करेगा इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एट विच मेथड? इक्विटी मेथड। बट उसके पहले जॉइंट कंट्रोल होना चाहिए। जॉइंट कंट्रोल में दो चीज देकर रखा है, एक कलेक्टिव कंट्रोल और एक यूनानिमस डिसीजन। कलेक्टिव कंट्रोल मतलब क्या, नाम क्या था जॉइंट कंट्रोल ना? जॉइंट कंट्रोल में व्हेन ऑल द पार्टीज और ग्रुप ऑफ पार्टीज कलेक्टिवली आर एबल टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटीज, देन दैट पार्टीज आर सेट टू हैव कंट्रोल ओवर द अरेंजमेंट कलेक्टिवली। मतलब जॉइंट कंट्रोल, मैं अभी तुमको एग्जाम्पल देता हूँ, तुम मेरे को बोलो जॉइंट कंट्रोल है कि नहीं। ये वो जॉइंट ऑपरेशन हो या जॉइंट वेंचर हो, मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, खाली क्या बात कर रहा है? जॉइंट जॉइंट कंट्रोल होने दो एक बार, फिर जॉइंट वेंचर जॉइंट ऑपरेशन अलग से डिवाइड कर लेंगे। ए और बी मिल के ए बी लिमिटेड को चला रहा है, ए के पास 50% स्टेक है, बी के पास 50% स्टेक है, बोलो जॉइंट कंट्रोल है कि नहीं? जॉइंट कंट्रोल तो है, अभी वो जॉइंट वेंचर हो, जॉइंट कंट्रोल तो है, ए बी कर रहा है या फिर उन लोग एक ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा है, बस ऐसा लिख दो, ए बी लिमिटेड में होल्ड कर रहा है या फिर ऑपरेशन साथ में कर रहा है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखना, ए के पास 40% है, बी के पास 40% है, काम करते 35-35 रखते हैं, ए के पास 35% है, बी के पास 35% है, सी के पास 30% है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, इधर कोई जॉइंट कंट्रोल है क्या? ये आर यू गेटिंग द इश्यू एट हैंड? तो उसके लिए आगे का पढ़ते हैं, ये बेस का आंसर्स मिल जाएगा अपने को, आगे वाले के आंसर्स के लिए अपने को और थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। यूनानिमस डिसीजंस, एंटिटी शैल असेस वेदर यूनानिमस कंसेंट ऑफ द पार्टीज दैट कलेक्टिवली कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। इन सर्टन केसेस कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट रिक्वायर मिनिमम प्रपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट्स टू मेक द डिसीजन अबाउट द रेलेवेंट एक्टिविटीज। Let us assume 75%. When minimum proportion that can be achieved is when the minimum proportion can be achieved by more than one combination of the parties agreeing together, then the arrangement is not a joint arrangement. Then the arrangement is not a joint arrangement. However, if controller contractual arrangement specifies which parties are required to agree unanimously regarding the decisions of the relevant activity, then the combinations can be considered as a joint control provided they have collective control.
सर क्या बोल के रखा है ये दो सेंटेंस में। लेट अस से अपने एग्जाम्पल में मैं तुमको बोलता हूँ मिनिमम 69% वोटिंग चाहिए तो वो डिसीजन फाइनल कंसिडर करेंगे। 69% कब आ सकता है? ए और बी साथ में है, क्या ए और सी साथ में आया तो आ सकता है, बी और सी साथ में आया तो हो सकता है? देयर इज नो मल्टीपल कॉम्बिनेशन, देयर इज ओनली सिंगल कॉम्बिनेशन विच इज पॉसिबल। इफ सिंगल कॉम्बिनेशन इज ओनली पॉसिबल देन आई कैन से ए और बी के पास ज्वाइंट कंट्रोल है और सी के पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। खतरनाक, दिस इज इंडिया स्पेशल ऐसा। यस मैं क्या समझा मैंने क्या बोला? मैंने जानबूझ के अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल फ्रेम किया, वो तुम्हारे बुक में शायद एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है। मैंने जानबूझ के अलग से ऐसा एग्जाम्पल क्यों फ्रेम किया? सो दैट तुमको वो समझे कि मल्टीपल कॉम्बिनेशन क्या है, फिर तुम्हारे बुक के एग्जाम्पल पे आता हूँ। पहले तो ये तो समझे, यहाँ पे देयर इज ओनली वन सिंगल कॉम्बिनेशन विच इज पॉसिबल। तो ए और उसमें से ए ने भी नाटक किया या फिर बी ने भी नाटक किया ना, डिसीजन नहीं हो पाएगा। मतलब यूनानिमस डिसीजन लेना पड़ता है ए और बी को, तब जाके फाइनल डिसीजन होता है। इसके लिए ए और बी का जॉइंट कंट्रोल है ना, अकेला ए का चलता है ना अकेला बी का चलता है। ठीक है, अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं। ये वाला डायग्राम लेते हैं, ए के पास 50% है, बी के पास 25 है, सी के पास 25 है, मिनिमम 25% चाहिए तो एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सॉरी 75 चाहिए तो मोर देन वन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। क्या मोर देन वन पॉसिबल है? ए एंड बी भी आया तो यूनानिमस डिसीजन होने का जरूरत नहीं है ना। ए के पास ना ए को चाहिए ना मिली भगत करना तो कर सकता है, बी को चाहिए तो मिली भगत करना तो कर सकता है। मेरे वाले एग्जाम्पल में मिली भगत चली चलता ही नहीं किसी का, जब तक ए और बी साथ में नहीं आते और डिसीजन ही नहीं हो पाता था। और यहाँ पे ए और बी साथ में नहीं आया बट ए सी आ गया, बी सी आ, मल्टीपल कॉम्बिनेशन सा पॉसिबल। सॉरी ए और सी, ए और बी आ गया, ए और सी आ गया, ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, नॉट अ सिंगल कॉम्बिनेशन। अगर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल देन इट इज नॉट अ जॉइंट अरेंजमेंट। क्लियर है? इनफैक्ट वी कैन कंसीडर ऑल ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या कंसीडर कर सकते हैं? वी ऑल ऑफ देम हैव इन्फ्लुएंस तो है ना, क्यों मिलीभगत करके सरकार को तो गिरा सकता है। वैसा ही कुछ हो रहा है, तुमको समझ रहा है क्या? उनको मैं वो जो परसेंटेज है वहां तक कैसे भी पहुंचना है। तो बहुत बार दो पार्टी मिलके सरकार बनता ना, वो जॉइंट कंट्रोल होता है, बिकॉज तो एक ने भी अपने हाथ ऊपर कर दिया सरकार गिर गई। क्लियर है? लेकिन अगर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है ना तो वो गिरने देता है मत, मैं किसी और के साथ सेटिंग करके मेरा सरकार चलाऊंगा। ठीक है, वैसे ही है। लेकिन और एक एग्जाम्पल है, सिंगल कॉम्बिनेशन है तो वो दो का जॉइंट कंट्रोल है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन तो जॉइंट कंट्रोल है। अब और एक एग्जाम्पल में ए बी सी है, 50 25 25 है, बट ए और बी का एग्रीमेंट है टू एक्ट यूनानिमसली। एक्ट यूनानिमसली तो फिर तो उन लोग ए जो, अगर ए हाँ बोला बी ना बोला तो डिसीजन नहीं होगा ऐसा लिखा हुआ है। तो डिसीजन कब हो पाएगा? जब या तो दोनों ए भी हाँ बोलेगा। क्लियर है? तो बाय एग्रीमेंट जॉइंट कंट्रोल हो गया, बिकॉज है ना एक्चुअली अपने को एट द एंड इन सब्सटेंस देखना होता है। ठीक है, तो अब तुम पढ़ेगा तो क्लियर होगा यूनानिमस डिसीजन का मतलब। यूनानिमस डिसीजन इज वेदर कंसेंट कलेक्टिवली रिक्वायर्ड। यस, कंसेंट कलेक्टिवली रिक्वायर्ड ऑफ दैट टू पार्टीज, तो यूनानिमस कंसेंट नॉट कलेक्टिव। कोई और सेटिंग भी करके हो सकता तो
नॉट जॉइंट कंट्रोल से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वगैरह, ठीक है। हाँ लिखा भी है, देखो अबाउट सब्सटेंस, अबाउट हैज टू बी चेक्ड इन सब्सटेंस एंड नॉट इन लीगल फॉर्म। टाइप्स ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट, हाउ टू क्लासिफाई, ठीक है वो थियरी है। कंक्लूजन में वो थियरी का अपने लिए वो रेलेवेंट है, क्या लिखा कंक्लूजन, इफ पार्टीज हैव राइट टू इंडिविजुअल एसेट्स एंड ऑब्लिगेशन टू इंडिविजुअल एसेट्स एंड ऑब्लिगेशन टू लायबिलिटीज देन इट इज अ जॉइंट ऑपरेशन। मेरे को मेरे इंडिविजुअल एसेट्स में हक है, इंडिविजुअल लायबिलिटी मेरा है, तो जॉइंट ऑपरेशन हुआ, ये समझ रहा है। बट शेयर इन द कंपनी वगैरह रहेगा तो फिर वो जॉइंट वेंचर वगैरह चला जाएगा। तो जॉइंट ऑपरेशन होने के लिए इंडिविजुअल एसेट्स और लायबिलिटीज में राइट होना चाहिए, ऑब्लिगेशन होना चाहिए। एसेट है तो राइट, लायबिलिटी है तो ऑब्लिगेशन, तो जॉइंट ऑपरेशन, वरना जॉइंट वेंचर। और वो सब दिया है, हाउ यू विल क्लासिफाई, यू विल हैव टू रीड दैट वंस। सर कंक्लूजन जॉइंट ऑपरेशन हो गया तो अकाउंट कैसे होएगा, जॉइंट वेंचर होएगा तो अकाउंट कैसे होगा, बोलो जॉइंट वेंचर हो तो किधर, एसएफएस में क्या होगा, सीएफएस में क्या होगा, जॉइंट वेंचर निकला था एसएफएस में 27 वो कॉस्ट, या फिर एंड सीएफएस में 28, 28 इक्वि रीस्टेटमेंट, कौन सा मेथड, इक्विटी मेथड, इंडेक्स 20 इज ऑल, 28 इज ऑल अबाउट इक्विटी मेथड, वो पढ़ाएगा मैं, क्लियर। जॉइंट ऑपरेशन में तो खुद के बुक्स में एसेट्स लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस खुद खुद का लिखो भाई, कोई मगजमारी मत करो, ठीक है, हो गया, दैट्स इट। तो ये इंडेक्स में एक्चुअली दो चीजें आए, पहले तो जॉइंट कंट्रोल है कि नहीं, एनएक्स जॉइंट कंट्रोल है तो फिर वो जॉइंट ऑपरेशन है या फिर जॉइंट वेंचर, तो बराबर। हाँ अभी अपन वो सीखे इंडेक्स 28 कितनी बार नाम आया, 27 28 अलग है, 27 वॉज एस एफ एस, 28 इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर को कैसे अकाउंट करेंगे इन सी एफ एस, कौन सा मेथड, इक्विटी। ये अपने को इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स वगैरह का अकाउंटिंग बताता है, एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी मेथड भी बताता है। देखो एसोसिएट का पूरा पूरा बात करता है, जॉइंट वेंचर का थोड़ा बात करता है, रीजन मैं बताता हूँ, जॉइंट वेंचर का ऑलरेडी थोड़ा बात हो चुका है किधर, हाँ 111 में उधर जॉइंट कंट्रोल एंड ऑल एक्सप्लेन था, बट एसोसिएट रहता तो पता है कौन सा वर्ड होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन वगैरह आया नहीं, तो बचा कुचा भी उन्होंने सब 28 में डाल दिया, क्लियर है। सबसे पहले सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज द पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस ऑफ द इन्वेस्टी बट डज नॉट हैव पावर टू कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल, यू कैन इन्फ्लुएंस बट यू कैन नॉट कंट्रोल। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर्स पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस ऑफ द इन्वेस्टी एंड अदर, वो एएस तो जान दो, अभी एएस तो है नहीं तुमको, इन एएस क्या लिखा हो कट कर दो, पहले डिलीट हो गया ना तुम्हारे सिलेबस में, इंड एएस में इट इज पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस ऑफ द इन्वेस्टी बट डज नॉट हैव कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल ओवर दिस डिसीजन। नॉर्मली 20% से ज़्यादा रहेगा तो ऐसा होता है ऐसा लिखा है, बट एंड में लिखा है कि ये 20% नहीं, तुमको बाकी कुछ भी देखना चाहिए, इवन समटाइम्स लेस देन 20% कैन गिव यू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इफ यू कैन अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये वो, ये क्लियर है। तो ये 20% अपने लिए थंब रूल है कि अपने को इन सब्सटेंस चेक करने का, इन सब्सटेंस सब पोटेंशियल वोटिंग राइट लेने का कि नहीं लेने का, टू चेक वेदर देर इज अ जॉइंट अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन हो, शुड बी कंसिडर पोटेंशियल राइट्स, कोई इंडेक्स में बोला है अभी तक पोटेंशियल राइट में, किधर बोला था, क्या बोला था,
पोटेंशियल राइट सर कंसिडर करो, कंट्रोल है कि नहीं इंडिया 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में, तो सेम वे ओवर हियर पोटेंशियल शेयर्स विल बी कंसिडर्ड टू चेक वेदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है कि नहीं. आर यू गेटिंग इट? फिर अकाउंटिंग चालू हो जाता है. एक मिनट, अकाउंटिंग जाने से पहले ना एक मस्त क्वेश्चन है, आ जाओ तो एसोसिएट जॉइंट वेंचर वाला इंडेक्स ढूंढो तो किधर है. क्वेश्चन आंसर है जॉइंट अरेंजमेंट्स है. हाँ ये इन्वेस्टमेंट वाला फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर करके जो हेडिंग है उधर, ये सब थियरी क्वेश्चंस है, तुमको समझ रहा है? किधर मिलेगा ये? मेरे पास तो फिर नंबर अलग है, ढूंढना पड़ेगा. हाँ मिल गया. ये जो इलिस्ट्रेशन है मैं क्यों करवा रहा हूँ उसका रीजन बता देता हूँ. पहले के मॉड्यूल्स में इसका आंसर गलत दिया रहता था, तो वी यूज टू चेंज द आंसर, फिर इंस्टीट्यूट ने उसको खुद ही चेंज कर दिया. क्लियर है? इलिस्ट्रेशन वन, एक्स के पास 20% वोटिंग राइट्स है वाई का. इट इज एंटाइटल टू अपॉइंट वन डायरेक्टर टू द बोर्ड विच कंसिस्ट ऑफ फाइव डायरेक्टर्स. रिमेनिंग 80% ऑफ द वोटिंग राइट्स आर हेल्ड बाय टू एंटिटीज, ईच ऑफ विच इज एंटाइटल टू अपॉइंट टू टू डायरेक्टर्स. अपने पास 20 तक का होल्डिंग है, अपन कितना डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं? एक डायरेक्टर. बाकी लोग है जिसके पास दो दो का पावर है. कोरम ऑफ फोर डायरेक्टर एंड मेजोरिटी ऑफ दिस प्रेजेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक द डिसीजन. और कभी भी कोरम के लिए चार लोग चाहिए. अदर शेयर होल्डर्स फ्रीक्वेंटली कॉल द बोर्ड मीटिंग एट शॉर्ट नोटिस एंड मेक द डिसीजन इन द एब्सेंस ऑफ एक्स. क्यों? उन लोग मिला के चार हो जाते थे, दो और दो है, समझा गया? अपने को बुलाते ही नहीं थे. ठीक है, एक्स हैज रिक्वेस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बट इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड. एक्स रिप्रेजेंटेटिव हैज अटेंडेड द बोर्ड मीटिंग बट द सजेशंस टू बी इंक्लूडेड इन एजेंडा हैव बीन इग्नोर्ड. अदर डायरेक्टर्स अपोज एनी सजेशन बाय एक्स. इसको बेदखल कर दिया है, क्लियर है? डज इज वाई लिमिटेड एन एसोसिएट ऑफ एक्स, उसका इन्फ्लुएंस भी है क्या? 20 तक का होल्डिंग है बट क्या उसका इन्फ्लुएंस है? बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं है. इन सब्सटेंस ही हैज नो इन्फ्लुएंस, नॉट एन एसोसिएट. ये वरना कभी के बाद तो कोई सुनेगा ना, कभी मीटिंग मीटिंग उन लोग दो बुला लेगा और एक के मीटिंग में आएगा नहीं, कोरम नहीं होएगा. ये समझ रहा है? ऐसा थोड़ा दोस्त लोग रहता है जिसको अपन थोड़ा सा. ठीक है, चलो मैं डायरेक्टली आगे बढ़ता हूँ. दैट वॉज थोड़ा सा ऐसा सम जिसमें एकदम वो टिपिकल केस टाइप देख रखा था. फिर अभी प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे आ जाता है जिसमें मैं तुमको अकाउंटिंग सिखाएगा और विल पास एंट्रीज एंड अपन इक्विटी मेथड कैसे दिखेगा वो देखेगा. क्लियर? तो अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज है, कौन से लेवल पे ये जर्नल एंट्रीज पास होंगे? एसएफएस, सीएफएस, कितना बोल रहा है? एसएफएस कितना बोल रहा है? सीएफएस अरे एसएफएस पढ़ा के हो गया मेरा 27. क्या लिखा था उधर? कॉस्ट और 109. अब सीएफएस में क्या होगा वो पढ़ रहे हैं. क्लियर है? वो क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, पास एंट्री इन एसएफएस, पास एंट्री इन सीएफएस, मस्ती मत करना उधर. ठीक है, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज होता है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, वही अपना उस दिन का कॉस्ट होता है. जनरली वही उस दिन का फेयर वैल्यू भी होता है. तो मेरे यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में मेरे एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एक्स अमाउंट पे दिखता है,
वो मेरे सीएफएस लेवल के लिए आइडियली वो स्टार्टिंग पॉइंट कॉस्ट ही होता है, और कुछ पॉइंट से स्टार्ट किया ना तो वो डीम्ड कॉस्ट कंसिडर करके चालू होता है। समझो एक बार ऐसा था कि फेयर वैल्यू पे लिखना है और आगे जाके इट विल बी डीम्ड एज कॉस्ट, तो उसको तुम कॉस्ट भी बोल सकते हैं फिर डीम्ड कॉस्ट भी बोल सकता है। कुछ और वैल्यू को बोला तू कॉस्ट है, दे कैन डीम एनीथिंग, बराबर। उसको बोला यू आर कॉस्ट, नाउ यू हैव टू इमेजिन यू आर अ कॉस्ट, तो कॉस्ट है। क्लियर? तो जो भी अपना स्टार्टिंग पॉइंट है उसको कॉस्ट या डीम कॉस्ट बोलते हैं, वहां से चालू करने का। नॉर्मली तो कॉस्ट ही होता है, बट सम टाइम्स अगर फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया रहता है वगैरह। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मेरा एक सब्सिडरी था, वो सब्सिडरी पे से कंट्रोल चला गया, अभी सिर्फ 30% होल्डिंग होकर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। एंट्री पास किया था अपने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया था, कौन सा वैल्यू, फेयर, बाकी एसेट लाइबिलिटी उड़ाया था, और बोला था ये जो अकाउंट लिखा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू, वो आगे के लिए डीम्ड कॉस्ट हो जाएगा। हाँ ना, अरे आज जो पहले डिस्कस किया सुबह, ठीक है। चलो तो मेरे यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट आ गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कैश बैंक एडजस्ट हो गया, और सीएफएस में भी वही आएगा उस दिन पे। या तो सीएफएस में अगर कोई फेयर वैल्यू भी आ रहा है तो दैट इज डीम्ड एज कॉस्ट होंगे, सेम थिंग। अब आगे रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल, वी कंपेयर द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट विद द शेयर इन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। किसके साथ कंपेयर करेगा भी? फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द एसोसिएट, एंड देन विल कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल। इफ इट इज अ गुडविल देन देयर इज नो सेपरेट ट्रीटमेंट, जस्ट डिस्क्लोज इन द ब्रैकेट दैट इज हिडन इन द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मतलब समझो मैंने कितना इन्वेस्ट किया, लेट अस से मेरे को इन्वेस्टमेंट आया 1 लाख रुपए, अब मैं क्या करेगा बता? वो मेरा एसोसिएट है ना, एसोसिएट है या जॉइंट वेंचर है जो भी है, दोनों का इक्विटी मेथड ही होगा। एसोसिएट है ना, उसके नेट एसेट्स का फेयर वैल्यू निकालेगा। और लेट अस से मैंने जो इन्वेस्ट किया इन एसोसिएट, 30% इन्वेस्ट किया था इसके लिए मेरा वो एसोसिएट था, इन्वेस्टमेंट का नेट एसेट्स का फेयर वैल्यू आया लेट अस से 2 लाख। कितना आया? 2 लाख इनटू मैं अपना स्टेक करेगा कितना परसेंट? 30%, 2 लाख का 30%, 60,000। आई शुड हैव पेड 60,000 बट आई हैव पेड 1 लाख, आई हैव पेड मोर। हाउ मच मोर आई हैव पेड? आई हैव पेड 40,000 मोर। सो फॉर दैट 40,000 आई विल जस्ट ओपन अ ब्रैकेट ओवर हियर एंड राइट गुडविल 40,000, दैट्स इट। मीन्स बेसिकली एन इन्वेस्टर हैज टू इंटरप्रेट कि आउट ऑफ दिस 1,60,000 इज द ट्रू वर्थ एंड 40,000 इज दी गुडविल। आई वोंट पास एनी एंट्री, आई विल जस्ट शो इन माई ब्रैकेट्स, नो एंट्री इज पास फॉर गुडविल। क्या बोला मैंने? इट इज एक कुछ ब्रैकेट में दिखाने का, तो एंट्री पास करने का, वो नरेशन में दिखाया वैसा हो गया, तो समझ रहा है। बट शेयर होल्डर को ये इन्फो जाता है, दिखता है नोट्स में या फेस में ऐसा कि गुडविल इतना है। शेयर होल्डर को कभी भी ऐसा दिखा 1 लाख इन्वेस्ट किया और 40,000 गुडविल है, कैसे इंटरप्रेट करेगा? 1 लाख टोटल अमाउंट है, 40,000 गुडविल है, तो कैसे इमेजिन करेगा? नेट वैल्यू वुड हैव बीन 60, 40 का गुडविल है, इसके लिए 1 लाख दिख रहा है, वो खुद ही मन में इमेजिन कर लेगा कि ये 40,000 का लॉस ही है। समझ आ रहा है तुमको? गुडविल नथिंग बट लॉस ओनली ना, उसको नाम दिया अपन ने गुडविल। खतरनाक था यार ये तो। पहले तो अपन ने इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया किस पे? कॉस्ट, वही अपने एसएफएस में आएगा, वही अपने सीएफएस में आएगा। फिर अपन ने क्या किया? गुडविल, गुडविल को अपन ने रिकॉर्ड किया यानी कैलकुलेट किया। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बचपन, इसमें एनसीआई एनसीआई नहीं आता गुडविल में, क्यों? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का गुडविल निकाल रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी का गुडविल नहीं निकाल रहा अपन। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का गुडविल कैसे निकलता है? बहुत सिंपल है, सामने वाले का जो नेट एसेट्स का फेयर वैल्यू है उसका अपना शेयर निकालो, एक अमाउंट इतना अपने को मिला। नेक्स्ट अपन ने जो पे किया अपना कॉस्ट, वो दो अमाउंट का कंपेयर करो, अपने को अपने एग्जाम्पल में 60 मिला जबकि अपना कॉस्ट 1 लाख है, ज्यादा दिया, कितना ज्यादा दिया? 40,000, उसको ब्रैकेट में गुडविल लिखो, उसका जर्नल एंट्री पास नहीं होगा, इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग चालू है। क्लियर है? नेक्स्ट
सर कैपिटल रिजर्व आया तो इफ कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड बाय पासिंग अ एंट्री एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अदर इक्विटी एंड द एंट्री पासेस इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. सो आई टेक वन मोर एग्जांपल फॉर द सेम. अगर कैपिटल रिजर्व आएगा तो कैसे दिखेगा एग्जाम्पल यहाँ पर देखो. लेट अस से अपन ने किधर 1 लाख इन्वेस्ट किया और सामने वाले का जो फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स है लेट अस से 4 लाख है. 4 लाख है तो उसमें से अपना 30% स्टेक है. बोलो 4 लाख का 30%, 1,20,000. 1,20,000 है तो अपन सोचेगा अरे बाप रे अपन ने 1 लाख इन्वेस्ट किया लेकिन अपना वर्थ 1,20,000 है. 20,000 का फायदा हो गया, 20,000 का फायदा हो गया. एंट्री पास करेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व तो इन्वेस्टमेंट में ऐड होएगा और सामने इधर अदर इक्विटी में कैपिटल रिजर्व में वो 20,000 आएगा. इंक्रीज इन दी वर्थ ऑफ दी नेट एसेट्स. लेकिन एक्विजिशन तक का डेट का था इसके लिए प्री एक्विजिशन इंक्रीज को अपन ने किधर डाला कैपिटल रिजर्व. टैली तो होना ही है दोनों जगह 20,000 एडजस्ट किया. अभी शेयर होल्डर्स को ये भी देख के सब समझ जाएगा. क्या समझ जाएगा कि भाई लाख रुपया दिया लेकिन 20,000 का और फायदा है और सामने वाले कंपनी में एक्चुअली सामान 1,20,000 का जो अपना हक है. गुडविल का एंट्री पास नहीं होता है लेकिन कैपिटल जो ये मैं बोल रहा है कि इंडेस 20 क्लियर है. सो ऐसा दो पॉसिबिलिटी है. तुम देखो ना पहला वाला चार्ट मैंने ये बनाया था जिसमें गुडविल था 40 का जो ब्रैकेट में दिखता था और दूसरा वाला मैंने ये बनाया जिसमें वो कैपिटल जो है तो कैपिटल जो का एंट्री पास हुआ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल जो गेन सीधा कैपिटल जो में चला गया पीएनएल में नहीं जाएगा लेकिन ना बिकॉज प्री वाला अभी आ गया. शेयर ऑफ प्रॉफिट्स सामने वाले कंपनी ने प्रॉफिट कमाया. इट अपने को इक्विटी मेथड में लिखाना. इक्विटी मेथड मतलब सामने वाले का जो नेटवर्थ है वो अपने में दिख के आना चाहिए. समझो सामने वाले ने ये तो एक मिनट एक्विजिशन डेट का था. एक्विजिशन डेट के बाद पोस्ट एक्विजिशन में सामने वाले कंपनी ने 1 लाख अर्न किया. हाउ दिस 1 लाख अर्न विल बी रिकॉर्डेड. व्हाट्स आवर शेयर 30%. तो विल बी हैप्पी कि अपना 30,000 है उसमें और ये इन्वेस्टमेंट सीएफएस में इक्विटी मेथड में दिखता है मतलब सामने वाले का नेटवर्थ रिफ्लेक्ट होना चाहिए. तो अपन इधर ऐड करेगा पोस्ट का प्रॉफिट कितना आवर शेयर खाली कितना 30,000 ऑफ 1 लाख 30% ऑफ 1 लाख 30,000 और सामने तुम्हारा जो CRR दिखता रहेगा रिजर्व दिखता रहेगा उसमें वो ऐड हो जाएगा पोस्ट का शेयर 30,000 पीएनएल में. वो पीएनएल में जाता है एंट्री देखो क्या पास होता है इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल से जाता है वो इसके लिए वो वाया पीएनएल जाता है वाया पीएनएल CRR कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिजर्व होता है. अगर तुमको वो नाम नहीं लिखना है तो डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं. किधर जाएगा ये पी एंड एल जाएगा. खुश होगा अपना प्रॉफिट है लेकिन ये अपना प्रॉफिट कौन से लेवल पे दिखेगा पता तुमको सीएफएस एसएफएस पे थोड़ी ना ऐसा दिखा सकते. अरे उसने कमाया तो अपन खुश हुआ लेकिन मिला है क्या अभी तक. नेक्स्ट ये तो मेरा और एक एंट्री हो गया प्रॉफिट किया सब्सिडरी ने तो आई विल पास एंट्री इन्वेस्टमेंट टू शेयर इन प्रॉफिट सॉरी एसोसिएट ने. अभी एसोसिएट ने लॉस किया तो एंट्री पी एंड एल टू इन्वेस्टमेंट उल्टा एंट्री. ये भी समझेगा ये सब एंट्री पास करने से पता है तुमको क्या होने वाला है सामने वाले का नेटवर्थ एग्जैक्टली मेरे बुक्स में दिखेगा. सर प्रूव करो कैसे एक बात समझो सामने वाले का नेटवर्थ कितना. अगर उसका ओपनिंग नेटवर्थ 60,000 था और उसने 1 लाख कमाया सामने वाले का पूरा नेटवर्थ उसका ओपनिंग नेटवर्थ कितना था बोला 60,000 और कितना कमाया 1 लाख कितना हो गया टोटल 1,60,000 उसमें से अपना हक बोलो इंडो कितना परसेंट करो 30% सॉरी सामने वाले का नेटवर्क कितना है 2 लाख और 1 लाख ये 2 लाख था ना पहले 30% सामने वाले का पूरा नेटवर्क बोलो मेरे को सामने वाले का पूरा नेटवर्क 2 लाख प्लस 1 लाख कितना है 3 लाख उसमें से अपना हक 30% कितना है 90,000 का अपना हक है. शेयर होल्डर
अपने बैलेंस शीट में जो फिगर दिख के रखा ना उससे भी कैलकुलेट कर सकता है। वो तो क्या करेगा शेयर होल्डर पता है, 1 लाख माइनस 40,000 प्लस 30,000, करो कितना आता है, 1 लाख माइनस 40,000 प्लस है नाइन। अरे उसको डायरेक्टली अपना बैलेंस शीट में देख के सामने लगा नेटवर्थ का अपना शेयर मिल जाता है, बिकॉज कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग है ये, इक्विटी। सो इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग में फ्रॉम आवर ओन बैलेंस शीट, फ्रॉम आवर ओन बैलेंस शीट वी कैन फाइंड आउट आवर शेयर इन द नेटवर्थ ऑफ द अदर कंपनी। हाउ डिड वी फाइंड आउट, 1 लाख माइनस गुडविल कितना 40, लॉस है ब्रैकेट में, प्लस 30,000, तो इट कम्स एज 90,000, एंड दिस इज 30% ऑफ सामने वाले कंपनी का नेटवर्थ, टैली भी होता ही है, और ये टैली कौन से मेथड में होगा, इक्विटी मेथड में। तो क्लियर है सर, आपने इधर टैली करवा के बता दिया, व्हाट अबाउट द कैपिटल रिजर्व वाला पार्ट, टैली करना वहां पे भी। चलो आ जाओ, एक कंपनी था उसका वर्थ कितना था, 4 लाख प्लस उसने कमाया था, कितना कमाया था, तो अपना ठीक है चलो 4 लाख ही था उसके बाद, अपने इधर एंट्री पास नहीं किया, 4 लाख था, 4 लाख का अपना स्टेक कितना हुआ, 30%, 1 लाख 20, देखो 1 लाख 20 दिख रहा है उधर, 1 लाख प्लस 20, तो वर्थ इट निकालने के टाइम कैपिटल जो ऐड करेगा और गुडविल लेस, तो दिखेगा अवर शेयर इन द नेटवर्थ ऑफ द अनदर कंपनी, फिर वो कैपिटल रिजर्व हो या गुडविल, क्लियर। इधर और प्रॉफिट होता तो और प्रॉफिट वो ऐड भी होता था, लेट अस से इसने भी 1 लाख कमाया होता, अगर इसने भी 1 लाख कमाया होता तो अपन ने इधर 30,000 ऐड किया रहता था पोस्ट, और इधर अपना एक 30,000 P&L में आ जाता था, अदर में नहीं आता था, अभी किधर आता था, P&L, वो 30,000 आता था। अब कोई इन्वेस्टर है तो ये तीन अमाउंट लेता था, 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 30,000, तो 1 लाख 50,000 बोलता था, और सामने वाले कंपनी का पता है 4 लाख और 1 लाख 5 लाख है, 5 लाख का 30% कितना होता है, 1 लाख 50, और टैली होता था सामने वाले का नेटवर्थ और अपने बुक्स का अकाउंट्स अमाउंट, एंड दैट इज नोन एज विच मेथड, इक्विटी, क्लियर है। तो ऑटो डोंट वरी अबाउट दैट, ये एंट्रीज तुमको बिंदास पास करना है, ये एंट्रीज पास करने में तुम्हारा अमाउंट राइट ही रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री, सामने वाले ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, सामने वाले ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो विल पास एन एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन CFS, डिविडेंड मिला इन्वेस्टमेंट से माइनस करते हैं CFS लेवल, इन SFS तो तुम कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L करेगा, बिकॉज नॉर्मली तुम कॉस्ट मॉडल वगैरह फॉलो करता रहेगा, ये तो डिविडेंड को P&L में डालने का वो तो पढ़ के रखा था। CFS और SFS के एंट्रीज देखो कितने अलग है, ये 27 में ऑलरेडी पढ़ा दिया, तुम नया मैं तुमको क्या पढ़ा रहा है, CFS SFS तो तुमको पहले ही पढ़ा दिया था मैंने, और अभी तो अपन CFS का ही पढ़ाई कर रहा था। सर इन्वेस्टमेंट में से क्या होता है, लेस, एग्जाम्पल देता हूं मैं, अपना एक जो एग्जाम्पल था मैं खाली तो बाजू में वापस लिख रहा हूं, अपन ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, ब्रैकेट में 40,000 का गुडविल था, तो बराबर, फिर उसने कितना कमाया था, उसने जो कमाया था उसका आवर शेयर 30,000 याद आता है, और ये अपन ने कैसे निकाला था, तो सामने वाले का 2 लाख का फेयर वैल्यू था ऑफ द नेट एसेट, उसका आवर शेयर 30% कितना था, आवर शेयर 60,000, और गुडविल लाए थे, फिर सामने वाला और 1 लाख रुपया कमाया, तो अपन ने उसमें से 30,000 लिया और अपने बुक्स में एंट्री किया, ये समझ में आ रहा है, तो टोटल सामने वाले का जो वर्थ है, टोटल सामने वाले का जो वर्थ है वो हो गया था 3 लाख, और उसमें से अपन ने 30-30% करके अपने बुक्स में दिखाया था 90,000, और अपने बुक्स में 90 कैसे दिख रहा था, तो अपने बुक्स में 90 आ रहा था 1 लाख माइनस 40,000 प्लस 30,000 करके, ये क्लियर है। अब मैं इसमें डिविडेंड डालता हूं, इमेजिन करो सामने वाला कंपनी डिविडेंड देता है और लेट अस से 20,000 का डिविडेंड देता है, क्या करता है, 20,000 का डिविडेंड पे करता है, डिविडेंड कहाँ से पे करेगा सामने वाला कंपनी, प्रॉफिट से,
तो सामने वाले का नेटवर्थ लेटर से 20,000 से कम हो गया, तो सामने वाले का नेटवर्थ कितना हो जाएगा? डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन करने से कंपनी का नेटवर्थ कम होता है, एंट्री पास होता है डिविडेंड का, P&L टू डिविडेंड एंड डिविडेंड टू कैश बैंक, या फिर रिटेन अर्निंग्स टू डिविडेंड एंड डिविडेंड पेबल एंड डिविडेंड पेबल टू कैश बैंक। रिटेन अर्निंग्स कम होता है, नेटवर्थ कम हो जाता है, सामने वाले का नेटवर्थ कम हो गया तो सामने मैं भी कम करेगा इधर, इसके लिए मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा? अगर उसने 20,000 डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसका 30%, 6,000 मुझे डिविडेंड मिलेगा, मैं उसका एंट्री पास करेगा कैश CFS लेवल पे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट में से वो 6,000 उड़ा देगा, तो उसका नेटवर्थ और मेरा नेटवर्थ वापस टैली होएगा। बोलो मेरा नेटवर्थ कितना हो गया अभी? 1 लाख माइनस अगर मेरे को इंटरप्रेट करना है तो 1 लाख माइनस 40,000 प्लस 30,000 माइनस 6,000 कितना हुआ? 84,000। कैलसिलो 2,80,000 का 30%, 84 एट एनी पॉइंट इन टाइम वो टैली होगा, प्रोवाइडेड ये सेट ऑफ एंट्रीज पास किया तो। और ये सेट ऑफ एंट्रीज CFS लेवल वाले जो है, CFS वाले, वो इंड एस 28 में दिए, और ये जो SFS लगा वाला है वो तो अलग था, 27 में ऑलरेडी पढ़ के आया हुआ था, वो तो खाली कंपैरिजन के लिए डाल के रखा है। तो बोलो डिविडेंड का एंट्री कैश बैंक टू इन्वेस्ट, ये तुमको समझ रहा है? वरना तुमको ऐसा लगता है डिविडेंड क्यों सर इन्वेस्टमेंट में से उड़ा दिया, बट अभी लॉजिकली क्लियर है, इक्विटी मेथड का पर्पस समझो तुम, यू हैव टू मैच इट विद द सामने वाले का नेटवर्क। और एक बात समझो, सामने वाले ने प्रॉफिट दिया था वो पूरा रिकॉर्ड कर लिया था, तो अभी मतलब डिविडेंड इनकम तो ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डेड ही है, अभी वो खाली जो पे कर रहा है उसे कैश फ्लो, ये नेटवर्थ कम हो रहा है इसके लिए माइनस कर रहा है। सामने वाले का पहले डिविडेंड नहीं, सामने वाले पूरा पूरा प्रॉफिट अपने बुक में डाल दिया था, इवन इफ उसने डिस्ट्रीब्यूट किया हो। ठीक है, अब शेयर इन OCI ये क्या है? समझो सामने वाले ने प्रॉफिट कमाया तो अपन ने क्या एंट्री पास किया था? सामने वाले ने प्रॉफिट कमाया तो अपन ने क्या एंट्री पास किया? इन्वेस्टमेंट टू पीएफ। तो सामने वाले ने कुछ OCI में डाला तो क्या एंट्री पास करेगा? इन्वेस्टमेंट टू OCI, ये आ चुका है एक बार। पता है एक सम था, इलिस्ट्रेशन नंबर 10 था, बिजनेस कॉम्बिनेशन का शायद, खोलो तो। मैंने तुमको दो तीन एग्जाम्पल दिए थे, फिर तुमको बताया था इंस्टीट्यूट वाला ये सब तुमको अभी समझेगा। बिजनेस कॉम्बी का इलिस्ट्रेशन नंबर क्या बोला मैंने? 10 बोला ना? हाँ, इलिस्ट्रेशन नंबर 10 ऑफ बिजनेस कॉम, वो पता है अपना सब्सिडी उसका OCI वगैरह में डाला था, और फिर वो जब सब्सिडरी से जब वो एसोसिएट से सब्सिडरी हुआ था तो उसको ऐसे कैंसिल किया था एज इफ कि वो डिस्पोज कर दिया है, वो अगर OCI रिसाइकल था तो आया P&L, OCI नॉट रिसाइकल था तो डायरेक्ट इक्विटी वगैरह, वो जनरल इंटरेस्ट रीफ्रेम करके लिखवा के बताया था तुमको। तो समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? तो ये एस्पेक्ट थोड़ा सा मैंने पहले डिस्कस किया, वापस आ जाया। ओके, तब तो तुमको ये कॉन्सेप्ट आता भी नहीं था, तो भी तुमको बोला था तो भी तुम मान लिया था। ठीक है, शेयर इन OCI में क्या करते हैं? सिंपल है, शेयर इन प्रॉफिट है तो इन्वेस्टमेंट टू P&L, तो शेयर इन OCI रहेगा तो इन्वेस्टमेंट टू OCI। एग्जाम्पल अपने ये एग्जाम्पल में समझो, प्लस इसने रिवैल्यूएशन रिजर्व खड़ा किया एक 1 लाख का, सामने एसेट्स को बढ़ा दिया 1 लाख से रिवैल्यू करके, तो पॉसिबल है? माई शेयर ऑफ 1 लाख कितना है? 30,000, तो मैं 30,000 मेरे इन्वेस्टमेंट में ऐड करेगा रिवैल्यूएशन रिजर्व बोलेगा रिवैल्यूएशन, और सामने OCI करके दिखा देगा 30,000, ये समझ रहा? इस टाइम मैं P&L में नहीं डालेगा, किधर डालेगा? सामने वाला अगर OCI में डालता तो मुझे भी मेरा शेयर OCI में डालना पड़ेगा, सामने वाला अगर P&L डालता तो मेरे को मेरा शेयर भी किधर डालना पड़ेगा? P&L। डन, ये क्लियर है? हो गया इतना ही अकाउंटिंग इक्विटी, और ये जो आंसर आया इक्विटी मेथड है, तो क्या लंबा कुछ डिफिकल्ट है? बस सच अ सिंपल अकाउंटिंग, तो फाइनल ना पक्का
सर अगर एग्जाम में, खुदा ना करे ऐसा हो, बट बाय मिस्टेक अगर हो गया कि मेरा एक सब्सिडरी आया और एक एसोसिएट आया, अरे मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज तुमको सब्सिडरी पूरा सिखा दिया मैंने, एसोसिएट तुमको पूरा सिखा दिया। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, पेरेंट पी हैज अ सब्सिडरी एस एंड एसोसिएट ए, तो क्लियर प्रिपेयर सी एफ एस ऑफ पी, वॉट यू विल डू? डरो मत, सोचो, जो सिखा दिया उसके हिसाब से तुम आंसर दे सकता है। सब्सिडरी को तो तुम बिंदास कंसोलिडेट कर सकते हो, सब्सिडरी में जो इन्वेस्ट किया रहेगा उड़ जाएगा। सब्सिडरी के स्टेप्स एज इट इज फॉलो करो तो तुम्हारा पी प्लस एस है ना बिंदास हो जाएगा। बट पी प्लस एस जब करेगा ना, तब दो आइटम को है ना छोड़ देना जगह नीचे, एक होगा इन्वेस्टमेंट इन ए और इधर का तुम्हारा रिजर्व्स, बाकी नॉर्मल कंसो करके टैली होएगा। और इसमें भी है ना इनर कॉलम में लिख देना, बाकी सब तुम्हारा आउटर कॉलम में रहेगा। इनफैक्ट तुम्हारा इनर आउटर मिला के तुम्हारा पेंसिल में टैली भी होता रहेगा, बिकॉज तुमने नॉर्मल क्या किया रहेगा कंसो, खाली इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिखता है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी नहीं दिखेगा। क्यों? वो कैंसल हो गया वो अपन कंसो का जो स्टेप्स करता है उसमें। ये दो फिगर खाली इनर कॉलम में दिखेगा, बाकी सारे फिगर्स किधर दिखेंगे? आउटर। और इतने फिगर्स भी तुम्हारे टैली होते ही रहेंगे। अब तुम सिर्फ 23 का 28, इंड एस में इंड एस 28 है, ओ एस में 23 है। इंड एस में क्या, इंड एस 20, इंड एस 28 का एडजस्टमेंट्स करेगा, सामने वाले ने कमाया तो ऐड और इधर भी ऐड, सामने वाले का कैपिटल कैपिटल आया तो इधर भी ऐड इधर भी ऐड, गुडविल आया तो खाली ब्रैकेट में दिखाने का तो अमाउंट ही चेंज नहीं होएगा, सामने वाले का ओसीआई रहेगा तो इधर ओसीआई इधर, ये सब एडजस्टमेंट करके आउटर कॉलम में जाएगा। ये सेम अमाउंट का एडजस्टमेंट इधर हो गया आउटर कॉलम, दोनों दोनों बाजू सेम अमाउंट दिया तो टैली तो होना ही है। और ये नाम लिखा हुआ ही आएगा, आएगा तो पी एस है, देखना मेरा गारंटी। अरे ऐसा एक सम था, मैं तुमको जो बोला ना दैट इज अ सम, ऐसा ही है ये। हाँ ये सब मैं ना, सुनो सुनो, ये सब मैं कब सिखाता था, ओल्ड कोर्स में, इसके लिए मालूम है इंस्टीट्यूट क्या पूछ सकता है तुमको, मैं बता रहा है ये क्लियर है, कर पाएगा तुम लोग। और एक बात, वर्किंग नोट्स में पहले सब्सिडी के वर्किंग नोट्स और फिर एसोसिएट का कुछ रहेगा तो, वरना एसोसिएट को डायरेक्ट बैलेंस शीट में इनर कॉलम आउटर कॉलम एडजस्ट करके टैली होगा, टैली सब्सिडी को तो टैली करने को आता तुमको, और एसोसिएट का सेम अमाउंट का दोनों जगह पे इफेक्ट देने का, टैली नहीं होगा तो क्या होगा? क्लियर है पक्का? ओके, वर्स्ट केस सिनेरियो आया तो यू विल बी एबल टू आंसर, शुड आई गो अहेड? सर एक जॉइंट वेंचर आया तो, जॉइंट वेंचर इज सेम लाइक एसोसिएट, 28 वाज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, सो नाउ यू आर रेडी फॉर ऑल, एसोसिएट हो, जॉइंट वेंचर हो, सब्सिडी हो, चेंज होल्डिंग भी। वो वीडियो देख के आई फील भाई उसमें उससे ज्यादा और परेशान ना करें, क्लियर? क्रॉस होल्डिंग्स वगैरह नहीं है तुमको तो शायद उधर मस्ती ना करें। क्रॉस होल्डिंग मतलब ए ने बी में होल्ड किया, बी ने ए में होल्ड किया, वो तो सिखाया नहीं मैंने तुमको, वो नहीं है मॉड्यूल में तो मैंने नहीं सिखाया, तो होपफुली ना आए, ठीक है? चलो वर्स्ट केस कुछ ऐसा बलता आ गया, मुझे गाली मत देना, मैं पूरा मॉड्यूल सीखा है। वहां पे एक और सम देके रखा है, यू कैन डू एट एट होमवर्क जैसा एग्जाम्पल है, बट उसका आंसर तुम लास्ट में खाली कंपेयर करने के लिए, वो प्लस प्लस कैसा अभी जो मैंने सीखा वैसे। सामने वाले ने डेप्री रिकॉर्ड किया तो सामने वाले का प्रॉफिट कम हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ, तो मेरे यहाँ पे क्या कम हुआ? इन्वेस्टमेंट से सामने वो किया, ये सब जो सामने वाले करेगा उसका मैं सेकंड इफेक्ट देगा, ठीक है? सो आई एम डन विद दैट, ओके आई एम डन विद द एंटायर चैप्टर सी एफ एस। वॉट यू हैव टू डू इज दी सर्टन इलस्ट्रेशन एंड फ्यू थियरी का पेजेस,
वो तुम कुछ नहीं रीड करो, उधर आंसर दिखेगा, सेम लिखा हुआ रहेगा, समझ जाएगा आगे बढ़ने का, बस ठीक है।